बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं फराह और मैं हमजा आपको खुश आमदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। और मैं अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी हमजा के साथ नोट्स किसी के मैच कर रही थी कि इस महीने को क्या कहते हैं। तो हमजा ने मुझे क्लियर नहीं किया, लेकिन मेरा ख्याल है इस महीने को असू कत्ता कहते हैं। कत्ता, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और हम लोग तो ऐसे ही पंजाबी में बोलते हैं। अगर वैसे देखा जाए जो हम देख रहे थे उसमें कत्तक या कातक भी कहा जा रहा था, लेकिन हमने बड़ों को यही बोलते सुना फरा, असू या कत्ता। अच्छा, लेकिन अब इसमें अहम बात यह, हम इस महीने का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि जैसे आपने देखा पिछले साल जो सितंबर था वो पिछले तकरीबन एक सदी का सबसे गर्म तरीन सितंबर जो है वो कहलाया गया। लेकिन अब इस महीने में जबकि मौसम की तब्दीली होती है और हमजा क्या क्या होता है, उनकी शुरू हो जाती है। मुझे तो सबसे अच्छी फरा यही बात लगती है कि सर्दी आ रही होती है, सुबह आप उठते हैं तो आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा होता है। और ये जब खुनकी आ रही होती है तो मुझे तो फरा ऐसे लगता है कि ये मेरा मौसम है, मुझे यही मौसम सबसे ज़्यादा पसंद। ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी, कंफर्टेबल, आप कोई भी ड्रेस पहने कहीं भी बैठे, ना आपको एसी की ज़रूरत है ना हीटर की ज़रूरत है, एक बड़ा बैलेंस। लेकिन उसके साथ साथ हमसे एक और बड़ी अच्छी चीज़ होती है, वो ये होती है आपको बहुत सारी ना खूबसूरत आवाज़ें भी सुनने को मिलती है। जो हमारे मेहमान हैं वो ऐसे माइग्रेटरी बर्ड्स जो पूरी दुनिया से सर्द इलाकों से हिजरत करके ख़ासतौर पे पंजाब और इसकी झीलें और इन इलाकों में आते हैं और मुल्क के बाकी हिस्सों में भी डेफिनेटली जाते हैं। और इसमें वाला कौन सा परिंदा मेरा फेवरेट होगा? कौन सा फेवरेट है आप ही बताएंगे। कूंज। अच्छा, पूछें क्यों? क्यों इसलिए कि कूंज एक ऐसा परिंदा है जो अकेला नहीं रहता हमजा। अगर उसे अलग किया जाए ना तो वो मर जाता है। अच्छा। नहीं, उदास से भी ज्यादा वो मर जाता है। इसलिए तो उसको मोहब्बत का इस्तारा, उसको एक जो है ना एक वफा की अलामत जो है वो कहा गया। और इसके बारे में बहुत सा कलाम भी है। अगर आप इजाज़त दें तो सिर्फ एक मैं शेर यहाँ पे शेयर कर लूँ। हाँ जी। यार फरीदा मैं तईमा रोवा जी में विछड़ी कूंज कतारा। आपने कभी आवाज़ सुनी है? कभी आधी रात को आपको एक परिंदे की बड़ी बेचैन बेकरार किस्म की आवाज़ आ रही है और आपका दिल चाह रहा होता है इसको कैसे हेल्प आउट किया जाए, इसकी कैसे मदद की जाए, कैसे इसको खामोश करवाया जाए कि ये इतना दुखी ना हो। तो अब टॉप स्टोरी की जाने बढ़ते हैं। हाँ, लेकिन उससे पहले सिर्फ एक रिक्वेस्ट करते हुए जाएंगे कि ये जो हमारे मेहमान हैं ना इनका बहुत ख्याल करें। ये आते हैं यहाँ पर, इनको शिकार ना करें, कोशिश करें कि ये महफूज उसी तरह से वापस जा सकें जो ये सोच के आते हैं कि हमें यहाँ पे अमन मिलेगा, सुकून मिलेगा। अब टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं। ऑपोजिशन का हुकूमत गिराओ मिशन और पहली बड़ी गिरफ्तारी। कैप्टन सफदर को मज़ार कायद पर नारेबाजी महंगी पड़ गई, पुलिस ने होटल से गिरफ्तार कर लिया। मार गई महंगाई, आवाम दुहाइयाँ दे दे कर थक गए। महंगाई में कमी के हुकूमती ऐलानात का असर उलट हो गया। आटा, दूध, दही और टमाटर समेत 25 अशिया महंगी हो गई। मुल्क में इस हफ्ते महंगाई की शरह 9.2% तक पहुँच गई। फरा जो खून की बढ़ती जा रही है, कुछ सर्दी आती जा रही है, लेकिन जो सियासी गर्मी है ना वो बहुत बढ़ती चली जा रही है। अब आप देखें कि आज एक गिरफ्तारी हुई है, कैप्टन रिटायर्ड सफदर को कराची में गिरफ्तार कर लिया गया है। निजी होटल में वो मौजूद थे। मरीम नवाज़ ने ट्वीट किया जिसके बाद मालूम हुआ कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गुज़श्ता रोज़ जो था मुकदमा दर्ज करने की कोशिश की जाती रही, दरखास्त दी गई, लेकिन कहा जा रहा है 5 बजे के करीब को मुकदमा दर्ज हुआ। हाँ, और ब्रिगेड थाने ने भी मेरा इसकी वो कर दी एक इन्फॉर्मेशन कि उन्होंने गिरफ्तार जो है वो कर लिया। कल ही बात सामने आ गई थी मंजर आम पे, जब वोट को इज्जत दो और मादरे मिल्लत जिंदाबाद के नारे जो हैं वो लगाए गए थे मज़ार कायद पे। तो 3 दफ़ात के तहत जो है ये मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें जान से मार देने की धमकी, मज़ार कायद एक्ट के खिलाफ वर्जी और जिसे कहते हैं ना सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाना। ये 3 दफ़ात हैं जिसके तहत 200 मज़ीद नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ जो है मुकदमा दर्ज किया गया। उनके खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं होगी, कैप्टन रिटायर्ड सफदर को ज़रूर गिरफ्तार कर लिया गया है। वकास नामी शहरी की मदीयत में ये मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया। हलीम आदिल शेख साहब ने पहुँच कर मुतालबा किया था कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाए। अब ये इस गिरफ्तारी से मेरे ख्याल टेम्परेचर और बहुत बढ़ जाएगा। और आप देखें फरा, मरीम नवाज़ को भी नामजद किया गया था और मरीम भी उसी निजी होटल में मौजूद थी, लेकिन मरीम नवाज़ को गिरफ्तार नहीं किया गया और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को उसी मुकदमे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है और आज अदालत में पेश किया जाता है या नहीं किया जाता, अभी तक इसका भी फैसला नहीं किया गया। ये हम आपको दिखा रहे हैं कि मरीम नवाज शरीफ की ये ट्वीट है जिन्होंने ये बताया कि जी कि हम अपने कमरे के अंदर थे और उसका दरवाज़ा तोड़ा गया पुलिस की जानिब से, फिर कैप्टन रिटायर्ड सफदर को गिरफ्तार भी कर लिया गया। उसके बाद एजेंसी क्या थी वैसे, इतनी क्या मतलब सुबह होने देते, कोई दिन निकलने देते, कोई आराम से दरवाज़ा खटका के कहते कि आपकी गिरफ्तारी आपको लेके जाना है। लेकिन वैसे इसका अंदाज़ा हमजा कल ही हो गया था जैसे सोशल मीडिया पे बात आई थी, और अगर आपने वफाकी वज़रा के बयानात फॉलो किए हों तो जितने वो गर्म सर्द हो रहे थे कैप्टन रिटायर्ड सफदर को और उनके दिए गए बयानात को लेकर और जिस तरह से उनके बारे में वो इजहार कर रहे थे, तो समझ तो आ गई थी कि कुछ ना कुछ जो है वो होने वाला है। और ख़ास तौर पे ना वफाकी वज़ीर दाखिला बहुत कम बोलते हैं और जब बोलते हैं बहुत पक्का बोलते हैं, तो जो उनकी बयान आ गया था ना तो वो वैसे ही वो हो गया था कि कुछ ना कुछ तो शायद हो ही जाए। एक और सवाल भी तो उठता है ना, ये सिंध के अंदर गिरफ्तारी हुई है, सिंध हुकूमत वहाँ पर पीपल्स पार्टी की है और सिंध पुलिस ने ही गिरफ्तारी की है, तो ये भी तो देखना होगा जब गिरफ्तारी आई। लेकिन ये मामला हुल्लड़बाजी का है, ये तकद्दुस पामाल करने का है कि मज़ार कायद का तकद्दुस पामाल किया गया, जूतों समेत अंदर चले गए, वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं थी और फिर वहाँ पर नारेबाजी की गई, जिस पर अगर अवामी रद्देमल देखें तो वो भी फरा आ रहा था कि ऐसे नहीं करना चाहिए था, बाहर निकलते सियासी नारे लगाए जा सकते थे। लेकिन कल एक जलसा भी हुआ है PDM का और उसके अंदर बड़ी धुआंधार तकरीर भी की गई हैं और वज़ीर आज़म ने जो मियां नवाज शरीफ की तकरीर के बाद या फिर मरियम नवाज शरीफ को जवाबात दिए थे, बिलावल को जवाब दिया था और अब मरियम ने भी वज़ीर आज़म को जवाब दिया, मरियम साहिबा ने भी। चलिए ये सवाल जवाब तो इसी तरह से चलता रहेगा, कभी वज़ीर आज़म जवाब दे रहे हैं, कभी मरियम नवाज़ जवाब दे रही हैं, कभी नवाज शरीफ जवाब दे रहे हैं, कभी बिलावल भुट्टो जवाब दे रहे हैं, लेकिन असल जो जवाब दे रहे हैं वो अवाम है जिसके कमर जो है महंगाई ने तोड़ के रख दी। अगर आप देखें तो ये एहतजाज का महीना भी है, हम जिक्र कर रहे थे ना अक्टूबर, दो चीज़ों का महीना, एक तो साउंड्स बड़ी चेंज हो जाएंगी, परिंदों की आवाज़ें आपको आएंगी बड़ी और तरह की डिफरेंट परिंदों की, दूसरा टेम्परेचर चेंज होगा, तीसरा ये जो एहतजाज आज का मौसम है ये भी एक मौसम है जो के साथ साथ चल रहा है। इस्लामाबाद में सिट-इन चल रहा है जहाँ पर कि विफाकी लेडी हेल्थ वर्कर्स और विफाकी जो मुलाजमीन हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। कोयटा में इससे पहले इस जलसे से पहले जो एहतजाज हुआ जहाँ पर मौलाना आदिल खान की जो शहादत है उसके ऊपर एहतजाज किया गया, फिर ये अपोजिशन का एक बहुत बड़ा एहतजाज का सिलसिला जो है ये चल रहा है। सो इस वक्त ऐसा लगता है जैसे एक मौसम एहतजाज का भी साथ ही चल रहा है और कुर्सियाँ गिरने का भी साथ चल रहा है। पहले जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान जब आए थे धरना देने के लिए और जलसा किया करते थे तो परवेज़ रशीद उस वक्त वज़ीर इत्तलात थे और वो कहा करते थे तो 5000 बंदा था, तो 7000 बंदा था। अब वो चीज़ बिल्कुल जो है ना उलट हो गई है, अब की हुकूमत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है वो भी बंदे गिनने पे लग गए। कौन सी फिल्म थी जिसमें वो डायलॉग बड़ा मशहूर, कितने आदमी थे, गब्बर वाली मूवी थी, गब्बर का डायलॉग था। ये जब भी कोई जलसा होता है ना तो ये बहस खामखाई छिड़ जाती है कितने आदमी थे, और फिर उसके ऊपर लोग जो हैं वो बहुत जो हैं वो लेदे कर रहे होते हैं। हम जानेंगे कि ये जो सारा कुछ है जो एहतजाज जिस तरह से किया गया, जलसा जिस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया गया, ये सब वैसे ही है जैसे कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ हैं कमर जमान कायरा साहब। कमर जमान कायरा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बिलावल भुट्टो पंजाब में मुखातिब हुए गनगरिश के साथ, मरियम नवाज़ जो हैं कराची में आवाम से मुखातिब हुई हैं। दोनों रिवायती तौर पर दोनों जमातें जो है एक दूसरे की हरीफ रही हैं, ये पावर पॉलिटिक्स के लिए इकट्ठ है। मरियम नवाज़ कह रही हैं कि मेरी वालदा की तरह हैं बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, या ये अवामी जो महरूमियों का हल है, जो लोगों के मसाइल हैं महंगाई वगैरह उसका भी हल है अपोजिशन के पास, या अपनी मफाद की सियासत चल रही है। की गुजारिश यह है कि सियासत के अंदर हदें नहीं होती, दीवारें नहीं खड़ी की जाती, ये जो कबायली रवैये होते हैं ये नहीं अडॉप्ट होते। सारी दुनिया में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ने वाली जमातें इलेक्शंस के दौरान भी बाज़ औक़ात आपस में एक दूसरे से कोऑपरेट करती हैं और इलेक्शन के बाद कई दफ़ा उनको इत्तेहाद बनाने पड़ते हैं। हमारे जैसे मुल्कों में जहाँ जमहूरी रवायतें अभी तगड़ी नहीं हुई और कई दफ़ा आपको एंटी डेमोक्रेटिक फोर्सेस के मुकाबले में जो बहुत सारी मुखालिफ जमातें होती हैं अपने अपने मैनिफेस्टो के तहत लड़ने वाली होती हैं, उनको इकट्ठा होना पड़ता है। लेकिन वो इकट्ठा होने के मुराद ये नहीं होती कि आपने आइंदा एक दूसरे के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं और ये करना, वो जमातें जम नहीं हो जाती। कल भी इलेक्शन आएगा तो हम अपना इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन आज हम किस बात पे इकट्ठे हैं? इस बात पे इकट्ठे हैं कि मुल्क के अंदर आईनी हुक्मरानी नहीं चल रही, आइन के मुताबिक मुल्क को चलाया जाए, सियासत के अंदर मदाखलत हो रही है ये बंद की जाए, ये पुरानी है वो आज नहीं हो रही। और हम इस बुनियाद पे इकट्ठे हैं कि इस मुल्क के अंदर सियासत में मदाखलत खत्म हो, सारे इदारे आइन के तहत दिए गए दायरा कार के अंदर रहते हुए अपना अपना काम करें, और मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराया जाए, जिसको आवाम वोट दे, वो फैसले करने के काबिल हो। ये हमारे मुतालबे हैं। अगर हमारी मुखालफत माजी में रही है तो माजी में हमने COD भी किया था, हमने एक दूसरे के खिलाफ केसेस दर्ज किए, ये बात भी दुरुस्त है, लेकिन हमने एक इकट्ठे हुकूमतें भी बनाई है। नवाज शरीफ के बयानिए की बात कर ली जाए तो वो एक फैसला कुन मोड़ पर मौजूद है और आगे महाज आराई होती हुई ही नजर आ रही है। क्या पीपल्स पार्टी की अप्रोच भी वही है जो मियाँ नवाज शरीफ की है? देखिए, पीपल्स पार्टी की अप्रोच तो कुछ छुपी हुई है नहीं। पीपल्स पार्टी पिछले 50-52 साल से जब से कायम हुई है, पीपल्स पार्टी का मुतालबा क्या है कि मुल्क में लोगों को अपने हुक्मरान चुनने का अधिकार मिलना चाहिए, यानी अवामी राज होना चाहिए। यही मुतालबा हमारा 1967 में था, यही आज भी है। सियासत के अंदर मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, इदारों को अपने अपने काम करने चाहिए, आइन होना चाहिए और आइन के तहत हुकूमतें चलनी चाहिए। ये पीपल्स पार्टी की 50-52 साल की वजह क़याम भी है और आज तक की स्ट्रगल भी है। लिहाजा इस मामले पे अगर इसको कहा जाए कि ये महाजराई है तो और बात बिल्कुल सही। कायरस फरमाइएगा, आपके सामने ही है, कल हेडलाइंस में था कि बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि आप इतना हम ये नहीं जानते थे कि इस दर्जे इदारों के ऊपर जो है वो तनकीद की जाएगी, तो यहाँ पे क्या कोई इख्तलाफात हैं? और दूसरा, वज़ीर-ए-आज़म का पॉइंट ऑफ व्यू तो खुल के सामने आ गया, प्रोडक्शन ऑर्डर्स के हवाले से जो मुकदमात बनाए जा रहे हैं वो उनके हवाले से। अब अपोजिशन की हिकमत अमली जो है, मुश्तरका हिकमत अमली, वो क्या होगी? देखिए, हैरानगी की बात है, वजीर आजम मुल्क के वजीर आजम होने चाहिए और उनके अंदर एक तदब्बर और हौसला होना चाहिए। उनके वजीर तो मुंह पे हाथ फेर फेर के और छात मार मार के कह ही रहे थे, अब वजीर आजम ने भी कहना शुरू कर दिया वही जो एक नौजवानों का और बाजारी से लड़कों का एक रवैया होता है। वेरी सॉरी टू से दिस, लेकिन यूँ मुँह पे हाथ फेर के मैं निबड़ लाँगा, मैं देख लाँगा, मैं फलां कर लूँगा। वजीर आजम ने खुद तो सबको कह रहे हैं कि मुल्क को कानून के मुताबिक चलाएँ और खुद क्या कह रहे हैं कि मैं सबको C क्लास में रखूंगा। किस कैपेसिटी में रखेंगे वजीर आजम? कौन होते हैं वजीर आजम ये फैसला करने वाले कि कौन C क्लास में रहेगा, कौन B क्लास में रहेगा? ये जिसकी इंटाइटलमेंट है, कानून उस इंटाइटलमेंट को वाजे करता है और कानून ने फैसले करने हैं। ये कोई बादशाह है कि वजीर आजम जो जाएगा करेगा? और वजीर आजम साहब ने इदारों के ऊपर इतनी बड़ी हतक में इस बात की है, अदलिया फैसले करे, नया फैसले करे, और जो इदारे मेरे नीचे हैं उनको तो मैं इस तरह डिजाइन करूंगा कि वो इन सबको सीधा कर देंगे। क्या ये कोई तरीका है? ये तो उनकी घबराहट है। वो तो कहते थे मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं बड़ा मुकाबला करने वाला हूँ। उनकी तो सारी विकटें पहले ही मैच में सारी विकटें उड़ा बैठे। बता दीजिए कि सड़कों पर आने की बात हो रही है, जलसे जुलूस तो हो रहे हैं, उसके बाद बात हो रही है कि हम आवाम में आके बयानिए को तकवीयत देंगे, लेकिन अगर आवाम भी इतना तंग है और अपोजिशन भी ये समझती है कि हम हुकूमत को गिरा सकते हैं, तो तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा रहा अपोजिशन की जानिब से? देखिए ना, असूल ये है कि आप साफ़ी हैं, मैं भी साफ़त कर सकता हूँ, लेकिन आप मुझसे बेहतर जानते हैं क्योंकि आपका तजुर्बा ये है कि कौन सी खबर कैसे देनी है, किन अल्फाज में देनी है, उसको क्या लहजा इख्तियार करना है ताकि उसकी मानवियत बदलेगी। और आप जानते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ कैसे चलेगी, टिकर कैसे बनाने हैं, मैं शायद उतने अच्छे नहीं बना सकूँ। इसी तरह सियासत करना मेरा काम है, यानी सियासी जमातों का, तो हम जानते हैं कि हमने कब ये ऑप्शन कहाँ इस्तेमाल करना है, कौन सा ऑप्शन। तो ये इंशाल्लाह सारे ऑप्शन हमने अपने जो डिक्लेरेशन है उसमें रखे हुए हैं और जब जब हमें जरूरत महसूस होगी। कहा जा रहा है कि मार्च में जो सेनेट के इलेक्शंस है वो बहुत अहम है और ये जो सारी सियासत है ये दरअसल उसी के इर्द गिर्द जो है वो घूम रही है। और सादिक सिंदरानी हटाओ जो मुहिम है, ये एक दफ़ा पहले उसका असर हम देख चुके हैं। क्या दोबारा भी अपोजिशन इस तरह की कोई मुहिम लाने का सोच सकती है, स्पेशली जबकि कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो शायद कुछ नंबर्स हासिल कर ले, सेनेट में नून नहीं हासिल कर सकी, तो आप दोनों मिलकर ऐसी कोई तहरीक लाने के बारे में सोच रहे हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि मैं कोई स्पेसिफिक बात नहीं कर सकता, ठीक ये क्या कहाँ होगा, किसके खिलाफ होगा, किसके खिलाफ नहीं होगा, ये कहना मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। ये तो फैसला करेगी हमारी स्टीयरिंग कमेटी। लेकिन हाँ, ये वन ऑफ द ऑप्शंस। कमर साहब हमारे साथ तो मौजूद थे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, आगे चलते हैं और इसके बारे में कुछ जो है वो तबसरा और तज्जिया भी शामिल करते हैं सारी सूरत हाल के ऊपर जो कि इस वक्त चल रही है। और हारून रशीद साहब हमारे साथ हैं, मुल्क के नामवर कॉलम निगार हैं, एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम हारून रशीद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। फरमाइएगा कि नवाज शरीफ का हालिया बयानिया जो है इसे मुल्क दुश्मन बयानिया जो कहा जा रहा है कि जमहूरियत दुश्मन है, मुल्क दुश्मन है, नई बहस मुल्क में चल पड़ी है, इन नज़रियाती और सियासी तकसीम का फ़ायदा क्या होगा, किसको होगा? देखिए नवाज शरीफ साहब जो कुछ कर रहे हैं वो सख्त फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, डिप्रेशन में हैं, ख़ुद उसके नताइज का अंदाज़ा नहीं है। उसका फ़ायदा इंडिया को पहुँचेगा, मुल्क में इंतशार पैदा होगा, इकानमी तबाह होगी, हुकूमत तो जाएगी नहीं इस तरह की खोखली तहली तहरीक से, लेकिन ये है कि मुल्क को इससे नुकसान पहुँचेगा। और उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि बिलाल ने उनका मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया है, तो उनकी तकरीर नहीं सुनाई गई है, मेरा ख्याल आइंदा भी नहीं सुनाई गई जाएगी। एक तनहा आदमी को यह हक़ नहीं है कि 11 जमाती अलायंस का एजेंडा मुतय्यन करने की कोशिश करे इसलिए कि उनकी साहबजादी हुकूमत में आ जाएं, इसलिए कि हुकूमत के साथ उनके मामला तय पा जाएँ, उनके करप्शन के केसेस वापस हो जाएं और उन हुकूमत एहतजाज का उन्हें हक़ है, लेकिन एहतजाज की हदूद होती हैं। याद रखना चाहिए दो उसूल, एक ये कि हर शख्स की और हर पार्टी की हर ग्रोह की लिमिटेशंस होती हैं, ये पॉलिटिकल साइंस का एक बुनियादी उसूल है। दूसरा ज़िंदगी की एक बुनियादी कदर है कि जिन हालात में खुदा कुदरत आपको मुब्तला करती है उसके असबाब होते हैं। बहुत ही गैर मोहतात पॉलिसी उन्होंने इख्तियार किया है, इज़ ए पॉपुलरली। अब भी अपनी गलती को समझ लें, आदमी गलती कर ले, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं। हारून साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बारे में कहा जाता है कि उनके लिए अपोजिशन करना बहुत मुश्किल है, अपोजिशन में रहना बहुत मुश्किल हो जाया करता है, तो ये बताइए कि इस वक्त जो बयानिया चल रहा है, जो मामला चल रहे हैं और सियासी मिजाज जो पंजाब का है खुसूसी तौर पर, हुकूमत ने बात की कि हमारे साथ बहुत सारे MPs राब्ते में है, क्या कोई फॉरवर्ड ब्लॉक पंजाब में बन सकता है? देखिए मुझे ये तो मालूम नहीं मुस्लिम लीग में फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा या नहीं बनेगा। 5 आदमी तो उन्होंने खुद निकाल दिए, उनके बयानियों से लोग मुतमिन नहीं हैं। जिस तरह की तायुश की ज़िंदगी के वो आदी हैं, यानी जो आदमी अपने हाथ में कैसी घड़ी पहनता हो जिसमें चांद का टुकड़ा लगा हुआ हो, मिट्टी चांद से लाई गई, हालांकि उसको क्या फ़ायदा है। मेज़ पे उनके दस्तरखान पे 10-12 खाने होते हैं, कम से कम 5-6 तो होते हैं, उससे आदमी की भूख बढ़ती नहीं है, खाने का लुत्फ बढ़ता नहीं है। खाने के लिए एक खाना एक सालन एक वक्त में काफ़ी होता है। तो जो वो इक़्तदार के बग़ैर रह नहीं, सोने की टूटियाँ, गवर्नर हाउस पे 50 करोड़ रुपये मरी पे खर्च, घर में भी यही हाल है। तो वो जिस तायुश के आदी हैं वो सिर्फ इख्तदार में पूरा हो सकता है। दूसरा, इख्तदार से महरूमी उन्हें गवारा नहीं है और जो अदालत ने फैसला दिया उस पर उन्हें बहुत सख्त सदमे में उन्हें भगौड़ा और मफरूर करार दिया गया है, मतलूब आदमी करार दिया गया है। अरे सर ये बताइएगा, अपोजिशन का कहना है और लोग भी देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में आवाम इकट्ठी हुई है, गुजरांवाला जलसे की बात हो जाए, कराची की बात हो जाए, एक जमे गफीर था लोगों का, कसीर तादाद में वर्कर्स भी और आवाम मौजूद थी। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म का ये कहना है कि ये जलसे नहीं है, ये जलसियाँ हैं, ये इसकी कोई अहमियत नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो आप भी इत्तफाक करते हैं वज़ीर-ए-आज़म के इस राय के साथ कि अपोजिशन जो है नाकाम रहेगी, हुकूमत को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने में, और इस तहरीक का कोई नतीजा नहीं निकलेगा? अभी हम इसके बारे में हतमी राय नहीं दे सकते कि ये मूवमेंट कामयाब होगी या नहीं होगी। अगर सस्टेन्ड एफर्ट की जाए और जलसे जारी रहें और महीनों तक जारी रहें और रफ्ता रफ्ता आम, अभी तो सिर्फ कारकुन पार्टियों के शामिल हुए हैं और अभी तक वो कोई लायामल भी कोई ख़ास पेश नहीं कर सकते। देखिए महंगाई की वजह तो कोरोना भी है, महंगाई की वजह तो पिछले कर्जे भी हैं, ये भी ठीक है, बदइंतज़ामी भी है, बैड गवर्नेंस भी है। अगर तो आम आदमी शामिल हो जाता है, मैले कपड़ों वाला, फटे जूतों वाला, भूखा आदमी जो है वो को उम्मीद वाबस्ता कर लेता है। वो तो कभी अवामी तहरीक तो इस मुल्क में कम ही चली है, भुट्टो साहब के साथ लोग थे, 77 की मूवमेंट जो भुट्टो के ख़िलाफ़ थी उसमें भी लोग दिलो जान से बात शरीक थे, बहुत बड़ी आबादी का हिस्सा था, परसेंटेज का मैं नहीं कह सकता। बाकी अभी तक तो ऐसी इस कामयाब तहरीक की कामयाबी के आसार नहीं, मगर अगर ये बरकरार रही और महंगाई बढ़ती रही, लोगों के मसाइल हल न हुए, दालें और सब्जियां महंगी होती गई, मुलाजमतें खत्म होती गई। हारून साहब जाती हमले किए जा रहे हैं, अपोजिशन की बात की जाए तो बिलावल की जानिब से भी जाती हमला किया गया, वज़ीर आज़म ने भी बच्चों और नानी वाली बात की जिसका जवाब मरियम नवाज ने भी दिया है। तो आप क्या देखते हैं कि ये मामला किस तरफ जा रहे हैं, ये जो महाज आराई है, एक दूसरे की पगड़ियाँ उछाली जा रही हैं, इसका अंजाम क्या होगा? वो मीर तक मीर का एक मिसरा है, यहाँ पगड़ी उछलती है इसे मैं खाना कहता। ये कोई आज की बात नहीं है। बेनज़ीर के कितने करेक्टर असैसिनेशन की, मैं असम्बली में जाता था और मैं देखता था कि शेख रशीद साहब और नून लीग के कुछ दूसरे लोग वज़ीर आज़म बेनज़ीर के बारे में कैसे पोच फिक्रे कहते थे। ये रबश हम भुट्टो साहब के ज़माने में पहले भी थी, भुट्टो साहब के ज़माने में अरूज पे पहुंची, फिर इसका नवाज शरीफ साहब ने अहया किया। अब तो पार्टियों ने सेल बनाए हुए हैं, तलखी बढ़ती जा रही है और इसका नतीजा ये होगा कि अपनी अखलाकी साख तो ये लाजमन खो देंगे। ऐसे ऐसे बाजारी लोग इनके घर जमा हैं, खोखले हैं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के मारे हुए हैं। चर्चिल ने कहा था 47 में बर्रे सग़ीर में हिंदुस्तान में भी, यानी बांग्लादेश इंडिया, बांग्लादेश उस वक्त नहीं बना था, चोर उचक्के खोखले लोग जो है वो बहरूपी ये आ जाएंगे इक़्तिदार में। ना ये आदाब मालूम है कि जमहूरी पार्टी होती क्या है, न जमहूरीत की का करीना मालूम है, ना पार्टियों का इलेक्शन है, ना पार्टियों की तंजीम ठीक है, विरासती सियासत है। तो ज़ाहिर है ख़राबी तो उससे होगी ही। इसका एहसास ख़ुद सियासतदानों को होना चाहिए कि जब तक मॉरल अथॉरिटी नहीं होगी वो फौज से स्पेस नहीं। ठीक ठीक सर, आपका अंदाज़ा ही है कि महंगाई कहाँ तक पहुँच गई है। आप अभी जो गुफ्तगू कर रहे थे मैं उस पर गौर कर रही थी। आपके इल्म ही होगा, छठा दिन है आज के वफाकी दारुल हुकूमत में डी चौक पे एहतजाज का सिलसिला जो है मुसलसल जारी है। वो आम लोग हैं, उनका सियासी जमातों से कोई ताल्लुक नहीं है। ताजर जो हैं वो ऐलान कर चुके हैं कि वो इस तहरीक में शामिल होंगे। वजह जो है वो बढ़ती हुई महंगाई है जिसने आवाम की कमर तोड़ के रख दी है। और आपको नहीं लग रहा कि आपके ख्याल में एक ये ऑपोजिशन की तहरीक से ख़तरा है हुकूमत को, या ये जो आवाम इस वक्त बहुत महंगाई के हाथों परेशान है इससे ख़तरा है हुकूमत को? क्या हुकूमत को कोई ख़तरा है भी? नहीं, उसे इमरान खान का असल चैलेंज महंगाई है, बेरोज़गारी, हालात बहुत ख़राब है, निज़ाम में तब्दीलियों की ज़रूरत है। देखिए एक तो है कि पार्लिमानी निज़ाम हमें साजगार नहीं, तो अलग बात है, लेकिन जो भी निज़ाम है उसको चलाया तो जाए ढंग से। रिश्वतस्तानी आम है, आज भी सिफारिश से तकर्री होती है, सिफारिश से काम होते हैं, पैसे से काम होते हैं, लूट मार होती है, चोर बाजारी है, ब्लैक है। तो गवर्नेंस ही असल मसला है। इमरान खान साहब को मालूम है हुक्मरानी क्या है, इमरान खान साहब को मालूम नहीं है सियासत होती क्या है, इमरान खान साहब को मालूम नहीं है असल मसला है। हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद मिलते हैं। पाकिस्तान में और हमजा कल मैं आ रही थी ना, मोटरवे पे ट्रैवल कर रही थी और मैं देख रही थी कि स्मॉग हमें नज़र आना शुरू हो गई है। रात को जब लाइट्स ऑन होती हैं ख़ास तौर पे आपको अंदाज़ा होता है कि कितना डेंस है वो हवा जिसमें कि आप सांस ले रहे हैं। और वैसे भी मैं जब लाहौर में आती हूँ ना तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। आपको वैसे लाहौर रास नहीं आ रहा, और ये मसला इस मौसम का है, लाहौर का मसला नहीं है। हम सब यहाँ भी रहते हैं फरा, मसला ये है कि जब भी ये, हम इस मौसम की पहले भी बात कर रहे थे, ये मौसम आ रहा होता है, ऑक्ट का एंड होता है और नवंबर का स्टार्ट होता है, उसमें लाहौर के अंदर खुसूसी तौर पर ये मामला हो जाता है कि स्मोक बहुत ज़्यादा है, नज़र नहीं आ रहा, आंखों में जलन हो रही है, खांसी आना शुरू हो जाती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। लाहौर आप यकीन करें कि वैसे आप लाहौर में किसी भी जगह पर चले जाएँ तो यही सूरत हाल होती है, लेकिन पिंडी भट्टियाँ आप मोटरवे से आ रहे हो क्रॉस करें ना, आपको चेंज एनवायरनमेंट फील होता है, धुंधला हो जाता है, हर चीज़ फॉगी हो जाती है, डिफ्यूज़ हो जाती है। रात के वक्त लाइट्स में आपको विजिबिलिटी के मसले भी होना शुरू हो जाते हैं। अभी भी विजिबिलिटी ठीक है लेकिन आपको अंदाज़ा होता है कि स्मॉग इस वक्त मौजूद है। ये एक इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है, ये हमारे बच्चों की ग्रोथ से लेकर हम सब की सेहत के ऊपर, हमारी ज़िंदगियों के ऊपर असर डालती है। आपकी उम्र कम हो जाती है अगर आप साफ हवा में सांस नहीं लेते, हवा में आप सांस नहीं ले रहे। और फरा आपको पता है कि आज एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, 190 है इस वक्त लाहौर का, और ये अगर 50 से ऊपर चला जाए तो बाकी मुल्कों के अंदर तो शोर मच जाता है कि ये क्या हो गया भाई, और हमारा 190 है। और लाहौर में ये कोई पहला मसला नहीं है, गुज़श्ता बरस भी स्कूलों में छुट्टियां करनी पड़ गई थी, और अब हुकूमत क्या इस पर अमल दरामद कर रही है वो भी देखना होगा क्या काम। मोमिन सलीम हमारे साथ हैं, माहिर माहौलियात हैं। गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। मोमिन सलीम साहिबा, बताइएगा ये हुकूमत ने बहुत सारी बातें की जिसमें जिग-जैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिली भी थी भट्टों की, अभी तक तो कुछ नहीं तकरीबन पूरा मौसम गुजर गया, बातें हमने सुनी, फिर बहुत सारी और चीज़ें, प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी लगाई जाएगी, 110 इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लाई जाएंगी, बिलियन ट्री सुनामी होगा, अर्बन फॉरेस्ट होगा, वो पेट्रोल का चेंज भी था कि यूरो 5 पे शिफ्ट करेंगे। आपके ख्याल में ये तमाम नारे रहे या अमली तौर पर भी इकदाम किए गए नज़र आएंगे इस दफ़ा हमें स्मॉग की कंडीशन में बेहतरी की सूरत में? जी, थैंक यू वेरी मच फराह और अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो है इस हुकूमत ने विच इज़ अनप्रेसिडेंटेड पॉलिसीज़ ऐसी इंट्रोड्यूस कराई जो माजी की हुकूमतों में हमने, जिसको हम ग्रीन एजेंडा कहें तो हमने वो नहीं देखा, जिसमें जाहिर सी बात है बिलियन ट्री सुनामी है, स्मॉग का मसला पिछले काफ़ी सालों से जो लाहौर में या पंजाब में हम देख रहे हैं चल रहा है। लेकिन यहाँ पर यह समझने की हमें ज़रूरत है कि कुछ जो है वो आपकी प्रिवेंटिव मेजर्स होती हैं और कुछ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, जिससे मुराद ये कि कुछ इलाज जो है आप बीमारी करने होने से पहले होते हैं और कुछ होते हैं जो आप फिर बाद में उसका जो है इलाज किया जाता है। हमारे इधर स्मॉग का मसला जो आपने जिक्र किया उसका बहुत बड़ा ताल्लुक जो है वो जिस तरह का ईंधन हम इस्तेमाल करते हैं उससे है। और हमारे इधर क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पूरी दुनिया में पेट्रोल और कोयला और इस तरह की जो है ईंधन इस्तेमाल की जाती है और अब दुनिया उससे शिफ्ट कर रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में पिछली अगर मैं 5 साल पुरानी बात करूं तो हमारे इधर कोयले के जो है वो लगाए गए प्लांट्स लगाए गए और अब हम वहां से बिजली भी पैदा करेंगे। हालांकि ये एक ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी हो चुकी है और पूरी दुनिया इससे शिफ्ट कर रही है। हमारे इधर रिन्यूएबल्स जिसको हम कहते हैं बिजली जो है पानी से बनाना, हवा से बनाना या जो है सूरज की रोशनी से बनाना, उसकी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है पाकिस्तान में, लेकिन उसको उस तरह से टैप नहीं किया गया। माजी की हुकूमतों ने उस पर काम शुरू किया लेकिन उसके बाद वो खातर खा उसमें इजाफा नहीं किया और अभी भी उसी तरह की चीज़ हम देख रहे हैं। सिर्फ अच्छी चीज़ ये है कि अभी रिन्यूएबल एनर्जी की एक पॉलिसी पास हुई है जो पहले भी थी लेकिन ये एक रिन्यूड आई है जिसमें हमने टारगेट सेट किए हैं कि हम किस साल तक जो है अपनी शिफ्ट कर लेंगे ईंधन पर। दूसरी चीज़ इसमें सबसे बड़ी जो है वो आपके गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है और आपने यहाँ पे बात की यूरो 5 की और ई वहीकल की, तो बेशक ये एक बहुत अच्छी पॉलिसी हुकूमत लाई है लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें बहुत से सिस्टम में चेंजेस लाने पड़ेंगे। इस तक हमारी गाड़ियाँ वो मौजूद नहीं हैं जो यूरो 5 पेट्रोल यूज़ कर सकें, उनके अंदर इंजन में वो सारी गुफ्तगू से ना मुझे याद आ रहा है हनूज दिल्ली दूरस तभी बिल्कुल ऐसे ही है और हम दिल्ली को भी इसका जो है जिम्मेदार करार दे देते हैं। फराह मोमी सलीम साहिबा ये भी बताइएगा कि पंजाब हुकूमत ने अब इसको कुदरती आफत जो है डिक्लेयर कर दिया है, समरी मंजूर कर लिया, क्या ये काफ़ी है कि कुदरती आफत डिक्लेयर कर दिया जाए? इम्प्लीमेंटेशन की बात हो तो क्या जो चीज़ें जो फैसले किए जाते हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन होती है? जी, आई थिंक ये कुदरती आफत जो है वो अंग्रेज़ी का जो हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं क्लाइमेट चेंज के लिए डिज़ास्टर, नेचुरल डिज़ास्टर, ये उस हवाले से है। लेकिन कोई भी डिज़ास्टर नेचुरल नहीं होता है, इंसान जो है वो उसको खुद डिज़ास्टर की शक्ल इख्तियार करता है। जैसे कि हमने कराची में देखा अर्बन फ्लडिंग हुई तो वो नेचुरल डिज़ास्टर नहीं था, बारिशें तो सदियों से होती आ रही हैं लेकिन आपकी जो कंस्ट्रक्शन है वो इस तरह की हो गई है। तो आई थिंक कि इसको अगर डिक्लेयर किया गया है नो डाउट के बिल्कुल ये एक नेचुरल डिजास्टर जिसको हम टर्म नेचुरल डिजास्टर करते हैं लेकिन ये मैन मेड डिजास्टर है, जिससे मुराद ये कि आपने अभी धुंध का जिक्र किया तो बिल्कुल आप मोटरवे से फरा बिल्कुल आ रही थी और आपने वो देखा तो धुंध आज की नहीं है। धुंध जाहिर सी बात है ये मौसम जब आप शिफ्ट हो रहा होता है गर्मी से सर्दी की तरफ तो धुंध तो एक आम सा फिनोमेना है, लेकिन उसके अंदर जब पोल्यूशन मिक्स हो जाती है तो वो स्मॉग की शक्ल इख्तियार कर जाती है। और इस वक्त जो स्मॉग है हमारा वो पंजाब की अगर मैं बात करूं तो उसमें गाड़ियों का धुआं बहुत ज़्यादा 40% जो है पूरे पाकिस्तान में गाड़ियों का धुआं, तो इससे मुराद भी है कि आपने जैसे कहा कि मतलब दिल्ली दूरस्थ, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम चेंज आपको कभी कभी बल्कि एनवायरमेंटल चैलेंजेस के हवाले से आपको बहुत अब्रप्ट किस्म के चेंजेस और बहुत अब्रप्ट किस्म के डिसीजन इस तरह के लेने पड़ते हैं कि जहाँ पे आपका बिल्कुल आप रीवैम्प कर दें सिस्टम को। तो इस दुनिया ये करने जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोमी सलीम। हम तेजी से चलेंगे डॉक्टर नासिर चौधरी की तरफ। इससे कि हम जान सकें कि हेल्थ हैजर्ड्स क्या हैं। लेकिन फ़रह उससे पहले हमने एक चीज़ जो है ना वो ये देखनी है कि हमें मसाइल होते क्या हैं। लोगों को मसला क्या होता है, लोग उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे होते। आंखों में जलन हो रही है, ख़ासतौर पर अगर आप लाहौर इसके गिरदो नवाह में रह रहे हैं तो आंखों में जलन हो रही है तो वो स्मोक की वजह से अचानक से होना शुरू हो जाती है। आप देखें आंखों से लोगों के पानी निकलना शुरू हो जाता है। अब क्या करें, आपने तो चश्मे लगाए होते हैं, भरा बंदा जो है वो चश्मा लगा के फिरे। हाँ, ये वैसे जो हमारे साथ आप मास्क पहन लेंगे, चले आप थोड़ा बहुत सांस को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन आप आंखों को कैसे मैनेज करेंगे? उसके लिए हम वैसे जानेंगे, हमारे साथ जो है माहिर अमराज चश्म मौजूद होंगे। लेकिन फ़रह, मैं ये हर साल यहाँ पर खुद जो है फील कर रहा होता हूँ कि हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को बाहर ना निकलने दें। सबसे ज़्यादा मसला बच्चों को हो रहा होता है, सांस लेने में जब बड़ों को इतनी दुश्वारी होती है तो बच्चों के लिए भी खासे मसाइल बढ़ते चले जाते हैं। डॉक्टर नासिर चौधरी से पूछ रहे हैं कि सारी डॉक्टरी आप ही से सुननी है हमने। नहीं, मैं तो मसाइल को बता रहा हूँ कि जो मैं खुद देख रहा होता हूँ, फिर डॉक्टर साहब इनके ऊपर जो है ना। जी जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? फरमाइएगा सर, अभी हमजा ने, आपने सुना है, हमजा ने एक लंबी चौड़ी जो है वो दुखड़ा अपना रोया है कि आंखों में जलन होती है और बच्चे जो है वो भी बाहर नहीं निकल सकते। फरमाइएगा क्या हल है इस मसले का? अच्छा, सबसे पहले तो जी मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बड़ा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव को टेकअप किया है, स्पेशली इन दिस सिनेरियो कि इसकी बहुत सारी सिम्टम जो है स्मोक की, ये कोरोना से भी मिलती हैं। होता ये कि बहुत सारे पेशेंट जो है वो कफ, स्नीज और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जिसको हम शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कहते हैं, उससे भी प्रेजेंट करते हैं। तो हमें बेसिकली पहले हम देखते हैं कि ये बेसिकली एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या चीज़ है, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स बेसिकली जो पोल्यूशन इन द एयर है उसको बेसिकली डिटरमिन कर रहा होता है। और इनफैक्ट ये जब 100 से ऊपर जाता है तो ये बहुत अलार्मिंग फेज में चला जाता है, जो कि हमारे हेल्थ को बड़ी बुरी तरह मुतासर करता है। अगर हम आंखों की बात करते हैं तो आंखों में ये कि इसके काफ़ी एडवर्स रिएक्शन मिलते हैं, जिसमें आपको आंखों में इरिटेशन हो सकती है, इचिंग हो सकती है। आप जैसे पेशेंट को कहता है जी कि मुझे आंखों में रड़क महसूस होती है, पानी निकलता है, फौरन बड़ी सेंसेशन फील होती है। तो इनको अगर आप ऑप्थेल्मोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनको अवॉइड तो इस तरह किया जा सकता है कि हम स्पेशली जिस तरह कोरोना में आपको पता है कि वो स्पेसिफिक गॉगल यूज़ करते थे, तो हम ग्लासेस यूज़ कर सकते हैं, मास्क यूज़ कर सकते हैं, और अपना तो बाहर जो हमारा जो एक्सपोजर है ड्यूरिंग डेंस स्मोक आवर्स वो हम अवॉइड करें। तो इस तरह से हम जो आंख को अपने स्मोक के जो डेंजरस इफेक्ट्स हैं उससे बचा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप जो गॉगल्स की बात कर रहे हैं, अब हर वक्त तो इंसान नहीं लगा के रह सकता, क्या आप सजेस्ट करेंगे कि हर वक्त हमने कोई ज़ीरो अब कोई चश्मा बनवा लें जो कि हर वक्त पहना जाए? डॉक्टर साहब, बच्चे हैं वो तो नहीं इस तरह की चीज़ों को फॉलो कर सकते, तो उनके लिए क्या गाइडलाइंस आप सजेस्ट करेंगे? सीधी सी बात है, ये आपने बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन किया कि बच्चे जो खूसन जो बाहर ज़्यादा निकलते हैं उनको ये दे आर एट पार्टिकुलर रिस्क, उनको रिस्क ज़्यादा होता है। जो लोग बाहर अपने काम काज में ज़्यादा बिजी रहते हैं उनको ज़्यादा रिस्क होता है। तो ओनली प्रॉब्लम एक तो ये थी, जिस तरह वो मैडम ने बात की थी जो एनवायरमेंटल स्पेशलिस्ट थी, कि हम अपने जो एनवायरमेंटल शिफ्ट कर सकते हैं, लाइक जहाँ पे गैसेज हैं उनको लिक्विड फ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उस वजह से ये कि ज़ाहिर है हमारा ओवरऑल एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो है बेहतर हो सकती है। दूसरा ये कि जिस तरह देखिए ना, इवन जो क्रॉप्स की जो स्ट्रबल की बर्निंग है उससे भी ये चीज़ है वो इंक्रीज करती है। ठीक है डॉक्टर साहब, जो लोग जो लोग बाइक पर सफ़र करते हैं, साइकिल पर सफ़र करते हैं, जो हवा का प्रेशर होता है वो उन पर ज़्यादा पड़ रहा होता है, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? हेलमेट के अलावा, हेलमेट अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये भी कॉन्सेप्ट नहीं है कि आगे वाला ही हेलमेट पहने, पीछे वाला तो बिल्कुल ही नहीं पहनते। आगे वाला पहनने बड़ी बड़ी बात है। हाँ जी, ये बिल्कुल आपको सब बड़ा अच्छा पॉइंट है जी कि ये इनफेक्ट ये कि हमें लोगों को एजुकेट और मोबिलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये जो एक तो ये कि आंखों में तो आपको इरिटेशन, इचिंग, फॉरन बॉडी सेंसेशन ये होंगी, जिसके लिए अगर जाहिर है ऑफकोर्स ये अगर कंप्लेंट ज़्यादा होगी तो यू विल हैव टू बी ट्रीटेड, आपको ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी आई स्पेशलिस्ट से। दूसरा ये जो PM2 बात कर लेते थे कि जो एयर में पोल्यूशन है, अगर ये अगर छोटे साइज का होगा तो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो सांस की नालियों के अंदर दाखिल होकर आपकी सांस मजीद दुश्वारी पैदा कर सकते हैं। और इवन आपके फेफड़ों को और हार्ट को इस सिनेरियो में ज्यादा ओवर वर्क करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको जी है कि आपको इवन कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस भी हैं इससे स्मोक से एग्रेवेट हो सकते हैं। दिस इज नॉट ए सिंपल एट ऑल। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसका एक तरीका, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच आप हाथ रहे। एक तरीका तो ये कि नमाज जरूर 5 टाइम पक्की पढ़ें और अच्छी तरह से आंखें खोल के, जैसे कहते हैं ना झपक्के मारना। मैंने देखा बहुत सारे लोग आंखें बंद करके मुंह धो रहे होते हैं, मुझे नहीं समझ आती कि ये क्या तरीका है। चले आज हमने फराह से ये सीखा कि आंखें खोल के आपने जो है ना पानी खोल के उसमें पानी जो हल्का हल्के हाथ से, यानी कि बहुत जोर से। मैं ये फराह से मजीद सीखता हूँ, हम एक ब्रेक की जानिब चलेंगे, मैं ब्रेक में फराह से सीखता हूँ ये कैसे करना। स्टे विद अस। वेलकम बैक सुबह सवेरे पाकिस्तान में। मैं आपको भी बता दूं, जो मैंने हमजा को तरीका जो है वो नहीं बताया, पानी कैसे कप भर के ना तो उसमें आंख अपनी डिप करके उसमें आंख खोलें बंद करें। आंख की बेहतरीन एक्सरसाइज भी है और आपकी आंख का बेहतरीन क्लीनिंग एंड टोनिंग एंड क्या क्या कुछ होता है। मैं तो इसको फॉलो करूँ ना करूँ, आप लोग करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कुछ नहीं हमजा फॉलो करते। मेरे अंडों के ऐसे पीछे पड़े कि अब अंडे हाथ ही नहीं आ रहे, हर रोज़ अंडों की कीमतें जो है उसमें इजाफा हो जाता है। ऐसी कोई नज़र लगाई ना हमजा ने ब्रेकफास्ट किधर नजर लगाई, मुझे भी तो बहुत मसला हो रहा है लेने के अंदर, और सबको मसला हो रहा है, पूरे पाकिस्तान को प्रॉब्लम है। फरा ये महंगाई बढ़ती जा रही है और मसला हल की जब बात की जाती है तो हमारे पास अब एक हल है, वो है टाइगर फोर्स। वो इसको करेगी। हम पहले सोचते थे प्राइस कंट्रोल कमेटियां होंगी, बल्दियाती नुमाइंदे होंगे, इस पर चेक रखा जाएगा, एसी साहब विजिट करेंगे, डीसी साहब विजिट करेंगे, देखेंगे कि रेट्स वैसे हैं या नहीं। अब हमारे पास एक हल है, वो है टाइगर फोर्स। नहीं मुझे बताएं तो फिर हमें क्या ज़रूरत है इतने इलेक्शन करवाने की, इतने अवामी नुमाइंदे लाने की, इतने ब्यूरोक्रेट्स, इतने सिविल सर्वेंट्स रखने की, इतने वाइट एलिफेंट्स पालने की। हम वॉलंटियर अवामी एक टाइगर फोर्स क्यों ना बना दे। वो टाइगर फोर्स ट्रैफिक भी कंट्रोल करे, वो टाइगर फोर्स मुजरिमों को भी पकड़े, वो टाइगर फोर्स कीमतें भी मॉनिटर करे, वो पॉलिसीज बनाए, फॉरेन पॉलिसीज भी बना ले वो टाइगर फोर्स। मसला इख्तियारात का ही है। टाइगर फोर्स के बारे में लोग क्या कहते हैं फरा, हम लोगों से ये सुनना चाहेंगे कि लोग टाइगर फोर्स के बारे में क्या कहते हैं, उनसे भी ये जानेंगे। अभी हमारे साथ फरहान बुखारी साहब मौजूद हैं, लोकल गवर्नमेंट एक्सपर्ट हैं। बुखारी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका। फरहान बुखारी साहब कहिएगा, प्राइस कंट्रोल कमेटियों की जिम्मेदारी हुआ करती थी, अगर बल्दियाती नुमाइंदे होते थे तो उनको आवाम कह सकते थे कि इतनी महंगाई हो गई है। अब ये टाइगर फोर्स वाला जो एक चीज़ सामने आ रही है, एक प्लान सामने आ रहा है, आप इसको कैसे समझते हैं? क्या ये उसका ऑल्टरनेट हो सकता है? भाई मुमलिकत का ऑल्टरनेटिव अगर आप लाने की कोशिश करेंगे, गैर मुमलिकती निज़ाम कायम करेंगे, तो उसका नतीजा हमेशा बुरा होता है और हमेशा बुरा हुआ है, क्योंकि आपको पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त कानून की बालादस्ती की है, क्योंकि कवानीन की तो हमने धज्जियाँ बिखेर दी हैं और ना कानून को सरकार में कोई मानता है, ना अपोजिशन में मानता है, अवामी नास में भी हालात यही हो गए हैं। अब ये देखिए ना, टाइगर फोर्स आपने बना तो दी, लेकिन अभी तक इसके खाके के बारे में कोई नहीं पता चल रहा। क्या ये गली मोहल्लों में छोटी छोटी टोलियां अपनी मनमानी करेंगी और लोग जाके अपनी मर्ज़ी से काम करेंगे, या कोई निज़ाम ऐसा है जो कि इन्हें कंट्रोल कर रहा है? फिर मुमलिकत का अपना निज़ाम, ये पाकिस्तानी मुमलिकत उस वक्त से ज़्यादा कमज़ोर होना शुरू हुई है जब से डेवोल्यूशन का एक तजुर्बा साबका सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में किया गया। देखिए पिछले 20 साल में अब आके हालात 20 साल पहले से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नज़र आते हैं और बहुत ज़्यादा मुमलिकत कमज़ोर हो चुकी है। तो ये नशस्तन गुफ्तन बर्खास्तन वाली बात है, इसमें वक्त ज़ाया करना ज़्यादा है। इसमें हकीकत को अच्छी तरह उसका तजिया करके और उसके मुताबिक फ़ैसले करने वाली बात नहीं है। टाइगर फोर्स इस्लामाबाद के बड़े कन्वेंशन सेंटर में आपने एक तकरीर कर ली बतौर वज़ीर आज़म, आपने वहाँ पे अपोजिशन के भी जो इल्ज़ामात हैं उनका भी जवाब दिया और आपने कहा कि ये टाइगर फोर्स जो हैं ये मेरी निगाहें हैं और मेरे बाजू हैं, एक तरह से पैगाम यही था। लेकिन आगे क्या होगा ये अल्लाह बेहतर जानता है। अच्छा सर ये भी बताइएगा तो हालात हुकूमत का ये जो रवैया है क्या ये पैरानॉइड स्टेट है कि आपको लगता है कि ब्यूरोक्रेट्स भी आपके साथ तावन नहीं कर रहे, इंतज़ामिया जो है वो भी हुकूमत के रिट नहीं मान रही या मानने के लिए तैयार नहीं, हुकूमत को नाकाम करने के दर पे है, तो इसलिए वॉलंटियर फोर्स जो है वो ज़्यादा एक्टिव एंड इफेक्टिव रहेगी हर मामले में। ये जो एक स्टेट ऑफ माइंड है, ये जो अप्रोच है, इसके बारे में भी हमें बताइएगा कितनी कामयाब है ये। देखिए ये कोई पहली दफ़ा इस हुकूमत के साथ नहीं हो रहा, बल्कि सिविल सर्विस को कमज़ोर करने का सिलसिला तो कई साल पहले जैसे मैंने आपसे अर्ज़ की शुरू हो चुका था और साबका हुकूमतों में भी हमने ये देखा है कि कोशिश ये की गई है कि जनाब जाके कोई शॉर्टकट्स तलाश करें, कोई जल्दी कोई फैसले करें, जल्दी मसाइल का हल ढूंढें, क्योंकि ज़ाहिर सियासी हुकूमतों को कुछ ना कुछ अपनी कामयाबी दिखाने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हमेशा ये जहाँ पे ख़राबी आई है वो ये आई है कि हुकूमतें या हुक्मरान तबका ये नहीं समझ सके कि दुनिया में जो मुश्किल फैसले हैं उनको हल करने के लिए शॉर्टकट से काम नहीं चलता, ना पहले कभी चला है, ना अब चलेगा और ना आगे चलेगा। ठीक है, शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा। फरहान साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। इस वजह ना एक वाकया याद आया, अगर आप हिस्ट्री में जाए ना तो अयूब खान के दौर में चीनी महंगी हुई थी और उमर अयूब साहब के बारे में कहा जाता है, पता नहीं कौन से वाले उनके पोते थे कि वो नारे लगा रहे थे, वो नारे जो कि अवामी नारे थे और उसके बाद वो मुस्ताफी हो गए थे तो एक चीनी के महंगी होने पर। अब तो चीनी, आटा, दालें, घी, हर चीज़ है वो महंगी है। एक ब्रेक की जानिब चलेंगे, स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और एक बड़े दुख के साथ एक बात जो है वो हम करना चाह रहे हैं, मेरा ख्याल है ये सबके जहन में ही आ रही होगी। जब हम सियासी इज्तिमा देख रहे हैं ना हमें लगता है कोरोना ख़त्म हो गया, जबकि दूसरी वेव का ख़तरा इतना शदीद है कि पूरी दुनिया जो है वो उसके बारे में अलर्ट्स जारी कर रही है, उसके बारे में इकदाम पे जोर दिया जा रहा है, मगर हमें किसी ना हुकूमती ना अपोजिशन किसी सियासी मजमे में कोई SOP जो है वो नज़र नहीं आता। पर अगर आप इसकी ट्रेल देखें ना तो जब हुकूमत जो है लॉकडाउन नहीं कर रही थी तो अपोजिशन कह रही थी कि ये तो चाहते हैं कि बंदे मर जाएं, ये तो ये चाहते हैं कि लोग जो है बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाएं, अपोजिशन ये कह रही थी, लेकिन हुकूमत ने नहीं किया। फिर हुकूमत ने लॉकडाउन किया, ताजिर बोलते रहे, ट्रांसपोर्टर्स बोलते रहे, शादी हॉल वाले बोलते रहे, लेकिन हुकूमत ने उस वक्त नहीं खोला क्योंकि कोरोना का मसला था। बिल्कुल ठीक किया हुकूमत ने। अब हुकूमत ने ही ये कहा कि दूसरी वेव का खदशा है। असद उमर साहब ने कहा कि हमें हो सकता है कि बहुत सख्त इकदाम करने पड़ेंगे अगर आपने SOPs पर अमल दरामद ना किया। फवाद चौधरी साहब ने यह मशवरा दे दिया कि मैं तो ये मशवरा दूंगा कि आप अपने जलसे जुलूस जो हैं कुछ अरसे के लिए मुलतवी कर दें क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर का खतरा है। अगर हुकूमत खुद नहीं मुलतवी कर रही है, खुद जो हुकूमती इज्तिमात हैं, चले अपोजिशन को तो आप कहें, हुकूमती इज्तिमात जो है उसमें भी SOPs की धज्जियां जो है वो उड़ाई गई हैं। ठीक है कि हमारी बहुत तारीफ की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने की, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने की, अभी रिसेंटली जो है आलमी बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट लॉरेंस एच समर जो लैरी समर हैं उन्होंने बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान की तरह हम भी इकदाम कर लेते तो हम भी 10 ट्रिलियन जो है वो बचा चुके होते, पैसे इतना डॉलर्स हमने बचा लिए होते। लेकिन अब जो हमें नज़र आ रहा है वो एक अजीब तरह की बेहसी और रवैया है जिसकी समझ नहीं आ रही कि इसकी क्या जस्टिफिकेशन। आवाम को कैसे हम कहेंगे कि आप शादी ब्याह ना करें, आप रेस्टोरेंट्स बंद करें, आप अपने कारोबार चूल्हे ठंडे करें, लेकिन सियासी इज्तिमा जो हैं वो धड़ल्ले से होंगे पूरी दोनों तरफ से। आप सिंध हुकूमत की बात देख लें, सिंध हुकूमत वज़ीर आला मुराद अली शाह हाथ जोड़कर कहते रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कि आप इस तरह ना करें, इसको संजीदा लें। लेकिन कल हमने देखा कराची के अंदर जो जलसा हुआ बड़ी तादाद में लोग वहां पर मौजूद थे, SOPs पर अमल दरामद ही नहीं हो रहा था। कन्वेंशन सेंटर में जब असद उमर खुद कह रहे हैं, फवाद चौधरी कह रहे हैं, तो कन्वेंशन सेंटर में टाइगर फोर्स को बुलाया गया, इतना बड़ा इज्तिमा था और हमने देखा उधर क्या हालात थे। ठीक है, आगे जो फ्रंट लाइन पर लोग बैठे थे उन्होंने मास्क पहने हुए थे, लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग हम बात करते हैं वो तो वहां पर भी मौजूद नहीं थी। तो ऐसा रवैया, इसीलिए तो ये सवाल उठता है भाई, ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं हमारे लिए पाबंदियां क्यों, शादी हॉल वाले कहते हैं हमारे लिए पाबंदियां क्यों। तो अशरफ निजामी साहब से बात करेंगे जो कि PM पंजाब। अस्सलाम वालेकुम अशरफ निजामी साहब, फरमाइएगा सर ये जो हो रहा है, जो सब कुछ, ये जो सियासी इज्तिमात की खास तौर पे हम बात कर रहे हैं और कोरोना की दूसरी लहर, तो ये सब अच्छा है, सब ठीक है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए जी कि आपने, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा ये उनवान चुना और इट इज़ द हाई टाइम कि जब हम हुकूमती रवैये, अपने रवैये, मुआशरे के रवैये, इनको एड्रेस करें। आपने बिल्कुल अभी दुरुस्त फरमाया कि एक तरफ मतलब कराची के अंदर ये हुआ, फिर जो कन्वेंशन सेंटर के अंदर ये चीज़ें लगाई गई, ये सारी की सारी शाखसाना उस मतलब नॉर्मल बयानिए का कहने की खातिर जो हुकूमत ने बयानिया किया, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बयानिया दिया कि हमने ऐसा कंट्रोल अच्छा कर लिया कि सारी दुनिया जो हमसे सबक सीखती फिर रही है। अब ये इंप्रेशन है खल्के खुदा के लिए, अवाम नास की खातिर कि हमने कोरोना के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया है। जब हमने कोरोना के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया तो फिर कैसी ये सारे हिफाजती इकदाम, एक मतलब नॉर्मल सा फिनोमेना मैं समझता हूँ कि लोगों के खत तक। अब अवाम नास की तरफ से ये जो आपने साथ तो रवैया देखा ही देखा, लेकिन हुकूमती रवैये जो हैं कि जो बेसिकली मेरे नज़दीक समझता हूँ कि हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि हुकूमतें जो है ये सारी इम्प्लीमेंटेशन और अपने आप को एज अ रोल मॉडल पेश करना होता है। वेयर एज आपने दुरुस्त फरमाया कि कन्वेंशन सेंटर के अंदर, इससे पहले कन्वेंशन सेंटर छोटी बड़ी, फिर अभी हिज़्ब इख्तलाफ के जो जलसे जुलूस शुरू हो गए हैं उनके साथ इनके रवैये, मैं समझता हूँ कि हमारे जो लीडर साहिबान हैं ये नॉन सीरियस रवैया रखते हैं और फरोई किस्म का इनका सिर्फ एक बयानिए की हद तक इनके ज़रूर होती है, लेकिन जब कोई काम करना हो, जब किसी किस्म की ये कोई चीज़ प्रैक्टिकल अपनी तरफ से कोई शो करना हो तो गालिबन ये उसके अंदर हम लोग लैग करते हैं। दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न। और हम चूँकि परवरदिगार की खास हमारे ऊपर रही है करम नवाजी, और आप लोग इस चीज़ का सब दोस्त जो गवा रहे हो कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने फरवरी, मार्च, अप्रैल और जिस तरह से हमने चीख चीख के, हमारी मतलब आवाज़ें नहीं निकलती थी कि जिस तरह से हमने लॉकडाउन और सारी जो दुनिया के अंदर एक लेकिन सर अभी दूसरी वेव का खतरा, अभी दूसरी लहर का खदशा जो है वो बड़ा रियल है और अब तो पाकिस्तान में टेम्परेचर भी ड्रॉप कर रहा है। सो वो ये सामने आ गया, आज ही जापान की तहकीक सामने आई है कि हाथ पे जो है 9 घंटे तक सर्वाइव कर सकता है और जो टेम्परेचर के साथ भी रिलेशन साबित हो गया है कोरोना वायरस का कि सर्द मौसम में और ऐसी जगहों पे जो कि तारीख हो, जो कि सर्दियों के दिनों में होती है, हमारे यहाँ पे भी ठंड, तो ये सर्वाइव कर सकता है ज़्यादा लंबे अरसे तक। तो ज़्यादा थ्रेट है अब तो असल चैलेंज तो अब है हमारे सामने और हम इतने निडर और बेबाक हुए में हैं। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, जो कि मैं दूसरा आपके साथ यही शेयर करने जा रहा था कि अब जबकि दुनिया के अंदर सेकंड वेव के साथ है, इंग्लैंड हमारे साथ है, अमेरिका के लोग हमारे साथ हैं, हमारे हमसाया ममालिक हमारे साथ हैं, ईरान और इंडिया देख लीजिए। अब हम खल्के खुदा से कोई अलग थलग नहीं है कि जोग्राफिकली के इस कोरोना वायरस ने हमारे साथ कोई वीज़े लेके आने और फिर यहाँ पे काम करेगा। आपने दुरुस्त फरमाया कि जबकि ये सेकेंड वेव का खतरा है, दुनिया के अंदर ये आ रही है, हमें तो ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। वाई वी आर आस्किंग फॉर के हमारे ऊपर कोई ना कोई वबा बने। और दूसरी चीज मैं आपसे शेयर करूं मैडम कि हमारे यहाँ जो मार्च और अप्रैल के अंदर ग्राफ था, इन्फेक्शन रेट था, वो इससे कम था। अभी जो इन्फेक्शन आ रही है वो ज्यादा है। और दूसरा ये कि कहना कि सेकंड वेव इन पाकिस्तान, मेरी नजर के अंदर तो पाकिस्तान से पहली वेव भी खत्म नहीं हुई थी। ये अलग बात है कि हमने टेस्टिंग कम की, जब हमने टेस्टिंग कम की तो हमें पता ही नहीं चला कि कितने हमारे साथ मरीज हैं और हमारी अभी भी कैपेसिटी जो जारी है 23,000, 28,000 इस किस्म की है। अगर हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ा दी जाए तो आपको मालूम होगा कि हमारे यहाँ केसेस इससे भी ज्यादा। अब बदकिस्मती ये है कि हमारे जो हुक्मरान है वो समझते हैं कि डेथ टोल हमारा कैसा है। अब डेथ टोल तो मेरे भाई नॉर्मल हेपेटाइटिस से 300 के करीब अफराद जो पाकिस्तान के अंदर जान से बाजी हार देते हैं, तो ये तो पैरामीटर रखना ही मैं समझता हूं बड़ा एक गलत। डॉक्टर साहब आप क्या देखते हैं, जो आपके पास मरीज भी आते हैं, आम आवाम हैं, वो किसको ज्यादा फॉलो कर रहे होते हैं, जब किसको रोल मॉडल समझ रहे होते हैं? जब उनके सियासतदान कोई PMLN को सपोर्ट करता होगा, कोई वजीर आजम इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करता होगा, तो जब वो ये देखेंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके हमें जो लोग कह रहे हैं कि कोरोना का खदशा है और वो खुद उस पर अमल नहीं कर रहे, तो क्या आप समझते हैं कि लोग अमल करेंगे? लोगों को फिर एजुकेट कौन करेगा अगर हमारा अमल ही ये होगा कि हम साथ साथ बैठे हैं, हम सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे, हम बड़े बड़े इज्तिमात कर रहे हैं? आपकी बात 100% दुरुस्त है। हुकूमत जो है, हमारे जो हुक्मरान हैं, हुकूमत जो हमारे लीडर साहिबान हैं, हुकूमत हमारे मीडिया और हुकूमत हम डॉक्टर्स, प्रोफेशनल और कम्युनिटी को देखती है कि हम लोग कैसे हैं। हुकूमत उनको देखती है जो माशरे के अंदर कोई ना कोई अपनी वेटेज रखते हैं। और जब हुकूमत के और बाकी हमारे माशरे के अंदर वो लोग मतलब इफ यू ऑन मीडिया, इफ यू शो के सर्टन आपके प्रोग्राम्स होते हैं, मॉर्निंग शोज होते हैं, बाकी शोज होते हैं, और अगर आप मास्क, अब देखेंगे मतलब क्या हुआ था अमेरिका के अंदर कि अमरीकी सदर साहब ने यही कह दिया कि जी जो फ्लू है वो ज्यादा खतरनाक है, ये तो पहनना ही नहीं चाहिए। उन्होंने मास्क का भी मजाक उड़ाया और मास्क भी पहनने के लिए, और लेकिन वहाँ के जो मेडिकल हेल्थ एक्सपर्ट्स थे उन लोगों ने उसको निगेट भी किया। और अभी जब अल्लाह ताला उनको जिंदगी सेहत दे, अभी जब वो बीमार हुए हैं तो बीमार होने के बाद कहा कि मैंने तो अपना आप खुद ही इलाज कर लिया और देखे कितना अच्छा और मैं बेहतरीन और तवाना हो गया। तो ये जो एक इम्प्रेशन है, इसके साथ जब तक लोगों को, मैं अगेन रिपीट के हुकूमत, आपके सियासी कायदीन, द लीडर्स, द कम्युनिटी, आपके मतलब जो है हमारे हेल्थ के रिलेटेड जो प्रोफेशनल्स हैं और सर्टनली द मीडिया प्रोफेशनल्स, वो जब तक इस चीज़ को हम पेश नहीं करते अपने आवाम को कि लोग जो हैं वो हमें देखते हैं, हमें सुनते हैं और उसी को वो फॉलो करते हैं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ थे, हाँ, बहुत अहम बातें जो हैं वो डॉक्टर साहब ने की, लेकिन अगर कोई फॉलो करे ना करे, हमें ज़रूर अपनी हिफाजत का ख्याल रखना है, इसलिए कि ये थ्रेट, ये ख़तरा मौजूद है और जैसे कि पूरी दुनिया कह रही है कि ये ख़तरा काफ़ी लंबे अरसे तक मौजूद है। अब हमें इसके साथ जीना सीखना है कि हमने कैसे इसकी वजह से अपनी ज़िंदगी को मुतासर हुए दिए बगैर आगे बढ़ाए रखना है। फरा, अगला मामला ये भी हमारे सामने आ रहा है कि छोटे बच्चों के हवाले से टीचर्स को बहुत ज़्यादा मसाइल आ रहे हैं, स्कूल्स को बहुत ज़्यादा मसाइल आ रहे हैं, इंतज़ामिया को, जो प्रिंसिपल्स हैं उनको, और पेरेंट्स कितना जो है कॉपरेट कर रहे हैं, बच्चों को मास्क वगैरह पहना कर भेजते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद मॉडल स्कूल की प्रिंसिपल हैं मैडम शबनम आफरीन साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैडम ये बताइएगा कि बच्चों के हवाले से SOPs पर अमल दरामद कराना कितना मुश्किल है, क्या 100% अमल हो सकता है, आपने अब तक क्या देखा? आपको पता है कि SOP पे ये बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने इस चैलेंज को बहुत हद तक किया है। और मतलब सबसे पहले हमने SOP जो आपको पर मास्क के हवाले से, तो मास्क जो है बच्चों को 100% इस वक्त, आप अगर मेरे स्कूल में आएंगे तो 100% बच्चों ने मास्क वेयर किया हुआ है। और शुरू में तो क्योंकि मेरा स्कूल जो है वो मॉन्टेसरी से लेके ग्रेड 8 तक है, तो छोटे बच्चों को मास्क के लिए करना बहुत मुश्किल था, लेकिन ये कि अब उनको इतनी आदत हो गई कि वो बिल्कुल मास्क नहीं उतारते और मास्क पहन कर वो सारा काम करते हैं। लेकिन मास्क में ये होता है, हमारे पास चैलेंज ये है कि वॉइस का इशू होता है कि वॉइस जो है वो क्लियर नहीं होती, तो सम टाइम ये होता है कि बच्चों ने तो मास्क पहने हुए होते हैं लेकिन टीचर जो है सम टाइम नीचे कर देती है मास्क और फिर वो आवाज़ का इशू उस तरह भी ख़त्म हो जाता है। और सेकेंडली हमने SOP जो है सोशल डिस्टेंस के हवाले से मैं बात करूँगी, तो सोशल डिस्टेंस आपको पता है कि ग्रुप डिस्कशन होती है हमारी स्कूल एक्टिविटी में, तो शुरू में इनिशियल स्टेजेस में तो हमें बड़ी डिफ़िकल्टीज भी और बच्चे जो है वो इकट्ठे हो जाना शुरू हो जाते थे, लेकिन ये कि हमने उन्हें बताया और उन्होंने इस चीज़ को कबूल किया। और ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अब हम जो भी काम कर रहे होते हैं ग्रुप डिस्कशन या जो भी, वो आराम से कर लेते हैं। शुरू में ये भी हुआ कि बच्चों को जब हम कॉपीज़ चेक करने की बारी होती है, जी जी कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज़ जी। अच्छा, जब मतलब कॉपी चेक करने की बारी होती है तो बच्चे ज़्यादा गैदर होने के शुरू होते हैं, लेकिन ये कि अब उनको वो भी हमने वो कर दिए। फिर शेयरिंग, बच्चों को पता है कि शेयरिंग इज़ केयरिंग, तो लेकिन अब जो है उन्होंने शेयरिंग भी नहीं करते हैं, लंच वो खुद लेकर आते हैं। लेकिन जो मैंने ये देखा है कि स्कूलों में, एक और चीज़ फरमाइएगा, मतलब आज जो जापान की रिसर्च आई है लेटेस्ट, उसमें एक आ गया है कि ये साबित हो गया है कि हाथ पे 9 घंटे तक कोरोना वायरस सर्वाइव कर जाता है, और फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग या फिर सैनिटाइजर का इस्तेमाल जो है ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। बच्चे जो हैं, और मैंने तो बड़ों को भी देखा है, मास्क नीचे करके आंख भी मलते हैं, नाक भी, मुंह भी साफ करते हैं, फिर मास्क ऊपर कर लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट नहीं हमारे यहाँ क्लियर हो रहा, तो सैनिटाइजर वगैरह स्कूल बर्दाश्त करने का, ये अखराजात के सैनिटाइजर्स प्रोवाइड करें वहाँ पे, या फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग अखराजात का। तो ये है कि आपको पता है वो यूँ होता है कि मॉर्निंग में जब बच्चे आते हैं तो हमारे पास हैंड जो सैनिटाइज करने के लिए हम खुद ही हमने रखा हुआ, स्कूल वालों ने प्रोवाइड किया है, फिर वॉश बेसिन में भी लगे हुए हैं और वहाँ पे वो सोप्स के ज़रिए वो धोते हैं। और स्कूल की जो टाइम मैनेजमेंट हमने की हुई है वो इस तरह की हुई कि 2 पीरियड्स के बाद 10 मिनट्स की उनकी ब्रेक होती है, वो घर से खुद लेकर आते हैं हैंड सैनिटाइज़र और वो हाथ को वो कर लेते हैं। लेकिन जो मेरे पास जो एक बहुत बड़ी चैलेंज है जो कि मैं इस चीज़ को नहीं वो कर पा रही, वो ये है कि तमाम स्कूलों में SOPs का बहुत अच्छा ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन यही बच्चे जब वैन्स में जाते हैं, लोकल वैन्स में जाते हैं और कहीं भी जाते हैं तो वो इन चीज़ों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हैं। तो वो तो बच्चे तो कैरियर होते हैं, तो वो कई ऐसे मतलब टीचर्स को भी वो लगा सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि गवर्नमेंट लेवल पे ये कुछ हो तो हो सकता है। हम मतलब स्कूल के हवाले से तो हमने किया हुआ है। बिल्कुल ठीक है। प्रिंसिपल साहबा ये बता दीजिएगा, ऑल्टरनेट डेज पर जब बच्चों को बुलाया जा रहा है तो वो बच्चों की पढ़ाई पर कितना असर हो रहा है और वो कितना मुश्किल है? देखिए बात ये होता है कि देखें जब भी कोई चैलेंज आता है, जब कोई मुश्किलात आती है तो आजमाइश आती है, तो अल्लाह ताला ने इसका हमें हल भी हमारे पास मौजूद होती है। तो बात ये है कि नो डाउट के मतलब एक सिलेबस, इतना सिलेबस कैसे कंप्लीट करवाना है, क्योंकि हमने जो है डिस्टेंस पे सोशल डिस्टेंस और ये जो है स्ट्रेंथ को हमने इस तरीके से दो ग्रुपों में तकसीम किया हुआ है। 3 दिन एक बच्चे आते हैं, 3 दिन दूसरा ग्रुप आता है। लेकिन माशाल्लाह मतलब कि ऐसी कोई बात नहीं है, अगर डेली रूटीन पे कोई टीचर्स छुट्टी ना करें तो उसकी सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और बच्चे भी छुट्टी ना करें तो ये हो सकता है, यानी कि ये नामुमकिन नहीं है। बिल्कुल सही। शबनम साहब आप सजेस्ट कीजिएगा, जो आप अभी अपनी एक परेशानी का इजहार कर रही थी, क्या करना चाहिए वालिदैन को खास तौर पे? क्या जो आप कह रही हैं कि स्कूल तो इंश्योर कर रहा है लेकिन जब वो स्कूल के बाहर निकलते हैं तो फिर वो बिल्कुल मास्क भी ख़त्म, सोशल डिस्टेंसिंग भी ख़त्म, क्या सजेस्ट करेंगी आप? जी बिल्कुल, वो ये है कि पेरेंट्स भी इसलिए ये नहीं कर सकते कि वो अपनी गाड़ी में आ रहे हैं तो अब तो ठीक है, लेकिन लोकल वैन्स में आ रहे हैं तो वो क्या करें? लोकल वैन वाले तो ये नहीं कहते कि एक सीट खाली हो और अगली सीट्स वो करें, ठीक है। अब ये तो गवर्नमेंट लेवल पे कुछ होना कि अब उनके भी माशी लिहाज से, फाइनेंस के लिहाज से वो भी ये कहते हैं कि हम कैसे पूरा करें अगर हम इतने कम बच्चों को लेकर जाएं, तो ये जो है ये फाइनेंस का कौन बेयर करे? पेरेंट्स बेयर करें या कौन करे? तो जाहिर है हर मतलब कि एक अच्छे मुल्क में जो है वो गवर्नमेंट ये चीज़ें करती है, तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा बेयर करना चाहिए। जी ठीक है। प्रिंसिपल साहब आप बहुत शुक्रिया आपका, आप पाकिस्तान से बात कर रहे थे। अच्छा ये सब बड़े बहादुर लोग हैं, सो हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिकल्स, नर्सिंग स्टाफ, हमारी जो एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं जो कि इस वक्त इस हर तरह की सूरत हाल में डटे हुए हैं अपने अपने फ्रंट्स पे। हैट्स ऑफ टू यू गाइस। इस वक्त जो मैं बात करना चाह रही हूँ, ये लेडी हेल्थ वर्कर्स की बात करना चाह रही हूँ। ये बहुत तकलीफदेह बात है कि ख़वातीन हैं, उनके साथ बच्चे हैं और 6 दिन से खुले आसमान तले, और इस्लामाबाद बाकी शहरों की तरह नहीं है, वहाँ पे सर्दी बढ़ चुकी है, वहाँ पे उन्होंने मतलब बच्चे बीमार भी होंगे, ख़वातीन बीमार भी होंगी, और एक मुझे नज़र नहीं आ रहा हुकूमत का उस तरह से एक रवैया या किरदार के वो इस बारे में कोई दिलचस्पी दिखाए। हालाँकि कहा जा रहा है कि मुसलसल मुज़ाकरात किए जा रहे हैं और मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। वज़ीर दाखिला ने ये बात की, उन्होंने भी ये बात की कि जी कि हम जा रहे हैं, मैंने तो मिन्नत समाजत भी की है, उन्होंने कहा हुकूमत बात कर रही है लेकिन वो नहीं मान रहे। ऐसे मुतालबात हैं क्या? वो कहते हैं कि हम 5वें स्केल में आते हैं और 5वें स्केल में ही हम रिटायर हो जाते हैं, जब हम पोलियो जाते हैं तो हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। इस किस्म के उनके मुतालबात हैं जो सामने आ रहे हैं। उनकी सदर हमारे साथ मौजूद हैं, लेडी हेल्थ वर्कर्स की रुखसाना अनवर साहिबा। रुखसाना साहिबा अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग। रुखसाना साहिबा कहिएगा, हुकूमत कह रही है कि हमने वज़रा को भेजा मुज़ाकरात के लिए लेकिन मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे? नतीजा क्या निकला है? अब तक नतीजा नहीं निकला। जितने भी वज़रा के साथ हमारे मुज़ाकरात हुए वो बेनतीजा साबित हुए। हमारी तरक्कियाँ रोकी गई, हमारे लोगों का सर्विस स्ट्रक्चर नहीं बनता, हमारे लोगों को कोई अलाउंसेस नहीं दिए जाते, हमारे लोगों को पोलियो में सिक्योरिटी नहीं दी जाती। ये कैसे सिंगल का कानून है? और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, अपने से बड़ों से इंसान पंगा लेता हुआ भी अच्छा लगता है। हम तो बहुत छोटे मुलाजमीन हैं, हमारे तो बहुत छोटे मसाइल हैं, हमारे छोटे प्रॉब्लम्स हैं। बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए हमारे मसाइल आप हल करें, ना कि आप हमारे रिस्क की दुश्मन। रुखसाना अनवर साहिबा, ये जो आप मुखातिब कर रही हैं सूबाई वज़ीर सेहत को, यास्मीन राशिद साहिबा को, क्यों सुनने में आया कि आपका कुछ उनके साथ इख्तलाफात हैं? क्या ये वजह है कि आप वफाक में धरना दे रहे हैं? क्योंकि मसला तो लेडी हेल्थ वर्कर्स का जो है ये सूबाई मामला है, जब से 18वीं तरमीम के बाद खास तौर पर, और वफाक का भी यही मौक़िफ़ है, तो फिर धरना इस्लामाबाद में क्यों? ढाई साल हो गए सूबों में मसला हल करवाते हुए, लेकिन कोई मसला हमारा हल नहीं हो रहा किसी भी सूबे में। इस वजह से हम विफाक में आए कि इमरान खान साहब को बताएं कि हमारे मसले हल नहीं हो रहे, आपकी हुकूमतें मसले हल नहीं करवा रही, तो हमारे मसला ये बता दीजिएगा कि क्या कुछ फैसला किया गया है कि अदालतों से भी रुजू किया जाएगा, क्योंकि छठा दिन है, मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो रहे, या पहले किया गया हो? ढाई साल से वो कह रही हैं कि मसला चल रहा है। ये हुकूमत इंसाफ का नारा लगा कर आई थी, तो इदारों ने लोगों से रिस्क छीनना शुरू कर दिया। हमसे रिस्क छीन रहे हैं, हम कहाँ जाएं? 18-20 हज़ार तनख्वाह है, वो भी डॉक्टर यास्मीन राशिद दुश्मन बनी हुई है, वो भी छीन रही हैं हमारे लोगों से। हमारी वर्कर्स गरीब है, टीबी की मरीज़ हो चुकी हैं, लोगों को टीबी का इलाज कराते कराते, हेपेटाइटिस की मरीज़ हो चुकी हैं, दिल की मरीज़ हो चुकी हैं, लोगों को पोलियो के कतरे पिलाते पिलाते, इलाज की सहूलत फराम करते करते, रेफ़र करते करते, और आज जब उन्होंने खुद अपने लिए कुछ पेंशन लेने की या कुछ बेनिफिट्स लेने की, अलाउंसेस लेने की, तो उनको इन्होंने बैक जुम्बिश कलम कर। वो अपने मसाइल बता रही थी और डॉक्टर यास्मीन राशिद से वो खासा गिला कर रही थी। और अच्छा हमजा, मैं आपको बताऊं, ये हमारे यहाँ एक डिलेमा है, जिस्मानी काम करने वाले और जो बहुत लोग जो फिज़िकल एफर्ट्स कर रहे होते हैं ना, हम उन्हें किसी भी स्केल पर एक महदूद स्केल में रखते हैं, उनको मराआत, उनको वो सहूलियात, उनको वो उनकी जो ड्यू चीज़ें वो नहीं देते। यही तो मुतालबा है उन वफाकी मुलाजमीन का भी, जो कि अपने पेंशन और मराआत के लिए मुतालबा कर रहे हैं कि अगर बाकी इदारों की आपने बढ़ा दी है तो हमारा क्या कसूर है कि हम सिक्योरिटी एजेंसीज़ में नहीं है या हम उन इदारों में नहीं है जहाँ पर लोगों को पकड़ धकड़ की जाती है, तो हम भी मुलाजमीन और महंगाई से मुतासर हैं। तो अब एक ब्रेक की जानिब चलेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। ब्रेक में ना हमजा बिल्कुल ऐसे लगे होते हैं जैसे बहुत सख्त कोई एग्जाम की बूटियाँ नहीं बना रहा होता बंदा, बना क्या क्या कुछ लिख के रखा है। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि नेशनल T20 कप का जो इख्तिताम है वो टाइटल खैबर पख्तूनख्वा के नाम हुआ। 10 रन के साथ खैबर पख्तूनख्वा की टीम ने टाइटल जो है अपने नाम किया। सबसे अच्छा लगा हमें टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा जो विकेट्स ली शाहीन आफरीदी ने, और फ़खर जमान ने सबसे ज़्यादा 420 रन बनाया। अब हमजा ने पता नहीं क्या क्या बूटियाँ बनाई हैं। बूटियाँ नहीं बनाई, मैंने तो सिर्फ वही देखा कि 206 रन बनाए 4 विकेटों के नुकसान पर। और शोएब मलिक ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है कल, अगर फराह हम उस इनिंग्स को देखें तो बेहतरीन थी, जिसके बाद उनको मैन ऑफ द मैच, जो फाइनल का मैन ऑफ द मैच था, वो अवार्ड भी दिया गया। आप एक्सपेक्ट में से शोएब मलिक को ही कर रहे थे मैन ऑफ द मैच जाना, होता ना कि ये सब कुछ वैसा वैसा हुआ जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे। फखर जमान ने 67 रन किए, लेकिन जो 22 गेंदों पे 56 रन किए हैं ना शोएब मलिक ने, वो बहुत आला इनिंग्स थी कि उन्होंने आखिर में आके जो ये फ़र्क पड़ा है जीतने वाला, ये शायद उनकी वो तेज़ जो इनिंग्स थी वो थी। खैर उधर से हुसैन तलत ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की। अब मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नेशनल T20 कप उनका लगा, उनसे जानते हैं। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसा लगा है आपको नेशनल T20 कप, कितना टैलेंट आपने देखा? वालेकुम अस्सलाम हमजा और फराह, नेशनल T20 कप तो अब इसी लिहाज से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम कल पाकिस्तान के दौरे पर आ रही है और पाकिस्तान में वो 3 T20 खेलेगी, तो इसकी परफॉर्मेंस जो नेशनल T20 कप की, वो पाकिस्तान की T20 टीम के सिलेक्शन में बड़ी मदद और मुआविन साबित होगी। लेकिन आज कौमी सिलेक्शन कमेटी जो है मिसबाहुल हक की सरबराही में जो 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेज हैं जो 30 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं रावलपिंडी में, उनके लिए आज टीम का ऐलान करेगी। तो अब देखते हैं कि किस किस को मौका मिलता है, क्या हम नौजवान खिलाड़ियों को मौका फराहम करते हैं या वही पुराने आजमाए हुए चेहरों पर ही इन्हिसार करते हैं। बिल्कुल सही, बहुत हम आपने पॉइंट जो है रेस किया और जल्द इसका फैसला हो जाएगा। लेकिन क्या खोया, क्या पाया, क्या सब कुछ वैसा हुआ जैसा आप उम्मीद कर रहे थे? मैं हमजा से भी यही पूछ रही थी, क्या वाकई फेवरेट जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की टीम ही थी इस टाइटल के लिए, या कोई अपसेट आपने देखा है? देखिए फराह, फेवरेट टीम तो नॉर्दर्न की थी, लेकिन नॉर्दर्न ने कप्तान तब्दील कर दिया। पहले शादाब खान कप्तानी कर रहे थे, फिर इमाद वसीम आ गए, और नॉर्दर्न की टीम जिसने टूर्नामेंट का स्टार्ट बड़े उम्दा अंदाज से किया, वो आहिस्ता आहिस्ता उसने नोज डाउन किया और परफॉर्मेंस उसकी इतनी अच्छी नहीं रही। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में आप देखें कि तजुर्बाकार खिलाड़ी जो थे वो शामिल थे, चाहे वो शोएब मलिक हो, चाहे वहाब रियाज हो, फिर रिजवान ने फ्रंट से लीड किया एज अ कैप्टन। तो खैबर पख्तूनख्वा डिजर्व करता था जिस तरह से उसने इस टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस दी, लेकिन लोगों को मायूसी हुई। लोग समझ रहे थे कि फाइनल मैच जो है वो नॉर्दर्न और KPK के दरमियान होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नॉर्दर्न की टीम फाइनल के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सकती। जी ठीक है, मिर्जा इकबाल बेग साहब ये बता दीजिएगा क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं मिसबाउल हक जो टीम सेलेक्ट करेंगे उसमें इस दफ़ा भी इफ्तिखार शामिल होंगे? आपने परफॉर्मेंस देख ली। और दूसरा, शोएब मलिक को ड्रॉप करने की बातें हो रही थी, क्या ये दुरुस्त बात है? उनको ड्रॉप किया जा सकता है? देखिए, शोएब मलिक ने कल जिस तरह की परफॉर्मेंस दी और जिस तरह से वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आप देखें उन्होंने अक्टूबर 1999 में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था। 20 साल हो गए उनको इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए। उससे पहले वो 1996 में अंडर 15 वर्ल्ड कप के लिए पहली मरतबा सेलेक्ट हुए थे। तो शोएब मलिक को लगता यही है कि सेलेक्टर सोच तो रहे थे कि आराम कराए फखर जमान और शोएब मलिक को, लेकिन मुझे लगता है एक मुश्किल फैसला होगा। दूसरी तरफ दबाव है सेलेक्टर्स पर कि नौजवान खिलाड़ी जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, अब्दुल्ला शफीक हुए, उसके अलावा एक और नौजवान खिलाड़ी दीशान हुए, और भी एक दो प्लेयर्स हैं जिनको मौका मिलना चाहिए। लेकिन अब देखते हैं क्योंकि ऑप्शन है हमजा सेलेक्टर्स के पास के वनडे की अलग टीम बनाएंगे और T20 की अलग टीम बनाएंगे। तो कुछ लोगों को वनडे की टीम में खपा देंगे और फिर T20 की टीम अलग से वो बनाएंगे। तो मिसबा, अब देखते हैं करते क्या है। एक लम्हे के लिए आप सिलेक्टर बन के हमें जवाब दीजिएगा ना कि आपके ख्याल में क्या क्या रिप्लेसमेंट्स हो सकती हैं और किस किस के साथ रिप्लेसमेंट्स हो सकती हैं और होनी चाहिए? देखिए फरा, अगर हकीकत की निगाह से देखा जाए तो मैंने जिन लोगों के नाम लिए, खुशदिल शाह का मैं भूल गया था, खुशदिल शाह, अब्दुल्ला शफीक, ये सारे लोग जो हैं इन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, तो इनको मौका मिलना चाहिए। मेरे ख्याल में ये रेस्ट कराना चाहिए इन्हें, वहाब रियाज को, फखर जमान को, शोएब मलिक को, क्योंकि इसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है हमारी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। और जिम्बाब्वे की टीम निस्बतन इतनी मजबूत टीम नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में तो यंगस्टर्स को, 2-3 यंगस्टर्स को, पूरी टीम को ओवरऑल ना करें, 2-3 यंगस्टर्स को मौका दें और कुछ पुराने खिलाड़ियों को साथ रख के एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाए जो यूथ और एक्सपीरियंस का मिक्सचर हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यही एक्चुअली डोमेस्टिक क्रिकेट का या इन इवेंट्स का मतलब यही होता है, बिल्कुल ऐसे आप ऐसे अपने टैलेंट को सामने लेकर आएँ, उन्हें मौका दें, उन्हें पॉलिश करें ताकि वो खुलकर उन्हें सलाहियतों के इजहार का मौका मिले और वो मेंटल टफनेस से लेकर तो हर एक चीज़ पे उन्होंने तो परफॉर्म कर दिया। अब आज देखते हैं कि हमारी सिलेक्शन टीम जो है क्या इस पर करता है। अब फरा, एक और चीज़ है जो बाप और बेटी की बॉन्डिंग होती है ना, उसको हर शख्स कहता है कि जी कि बाप और बेटी की जो बॉन्डिंग होती है और माँ और बेटे की जो बॉन्डिंग होती है ये बड़ी स्ट्रांग होती है। ये ना फ्राइड ने इसको बयान किया था, एडिपस कॉम्प्लेक्स और अल्ट्रा कॉम्प्लेक्स के नाम से। अच्छा, एडिपस कॉम्प्लेक्स शेक्सपियर ने भी इसको लिखा है बहुत ज़्यादा। एडिपस कॉम्प्लेक्स ये कि आप ना इन लव होते हैं, या वो जो कहते हैं हर लड़की का पहला जो हीरो होता है ना वो उसका बाप होता है, और हर लड़के की जो पहली हीरोइन होती है ना वो उसकी अपनी माँ होती है, जिनके साथ वो जज्बाती वाबस्तगी होती है, वो हर तरह की अटैचमेंट होती है। सो एक ऐसी कहानी, बाप तो बहुत सारे होते हैं लेकिन एक दोस्त, एक हमदर्द, एक शफीक बाप जो आपकी एक्टिविटीज़ में भी आपके साथ शामिल हो, वो बहुत कम होते हैं। और ये जिन बाप बेटी से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं वो एक बहुत पॉजिटिव एग्जाम्पल हैं। काजी फ़ारूक साहब और उनकी बेटी है इज़्ज़ा फ़ारूक, और इन दोनों बाप बेटी ने कराची से खुंजराब तक मोटरसाइकिल पर सफ़र किया है। अब मैंने पूछना है कि पीछे बैठ के किया या अलग अलग मोटरसाइकिल? अच्छा, इसमें मैंने ये भी फरा, मैं जब देख रहा था इनकी प्रोफाइल को, मुझे देख रहा था तो वो काजी फारूकी साहब जो थे ना, उनके वो अपने बेटे के साथ 1 साल पहले गए थे, और जब बेटे के साथ गए वापस आए तो बेटी ने ज़िद की कि आप मुझे नहीं लेके गए, आपने मुझे भी लेके जाना है। तो उन्होंने उसी वक्त कहा कि अगली दफ़ा मैं तुम्हें लेके जाऊँगा, और अगली दफ़ा लेके गया। बेगम को लेके जाने का इरादा है या नहीं है ये काजी फारूकी साहब से पूछ लेते हैं। काजी फारूकी साहब, गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये जो हमजा बता रहे हैं ये कहानी सही है सर? जी बिल्कुल, ये कहानी सही है, और हमजा साहब जो जिक्र कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, और अगली बारी इंशाल्लाह हमारी अहलिया की है और वो जाएंगी हमारे साथ। अच्छा, जो मैं पूछ रही थी कि मेरी बेटी जी गज़ल है, गज़ल फारूकी। हाँ, गज़ल फारूकी। अच्छा गज़ल, आपने अब्बा के साथ ये जो मोटरसाइकिल पे सफ़र किया है ये किस तरह का सफ़र था? भी अलग से मोटरसाइकिल अपनी चलाई, अब्बा के साथ बैठ के गई, क्या हुआ था? नहीं, इसमें मैं अब्बू के साथ ही पीछे बैठ के हम लोग एक ही मोटरसाइकिल पे गए थे। अच्छा गज़ल, अब्बू बाइक कैसी चलाते हैं ये ज़रा बताइएगा, कहीं खौफ आ रहा था कि अब्बू आप ये कैसे बाइक चला रहे हैं? अच्छा, वैसे सच बताऊं तो बाबा नॉर्मल डेज़ में बाइक जो है ना थोड़ी सी मुझे डर लगता है उनके साथ बैठने में, लेकिन अच्छा। यहाँ पर बाबा बहुत अच्छी चलाई, बहुत ज़्यादा अच्छी। ठीक है, अच्छा कितना लंबा सफ़र था और क्या क्या कुछ इसमें मुश्किल मराहिल आए, क्या क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ा? अच्छा, इसके अंदर हमारा सफ़र तो वैसे 2300 किलोमीटर्स का था वन वे, तो अगर आप डबल कर लें तो फिर वो ऑलमोस्ट 5000 बन जाता है। अच्छा, तो हमारे पास ये था कि हम लोग ऑफ रोडिंग भी हमने काफ़ी करी, मतलब इस एक तो रूट होता है कि आपने इसे गए इन खुंजराब पास तक, बट उससे ऑफ रोड भी हमने मतलब जैसे दूसरी जगहें देखी, हॉपर वैली था, नलतर था, फेरी मेडोज था, तो मतलब अगर ये सब सम अप करें तो हमारा ऑलमोस्ट 5000 किलोमीटर्स बन जाता है वापस जाना और वापस आना। और इसमें मुश्किलात हमें जी मैं अर्ज़ करता हूँ कि जब हम यहाँ घर से चले, क्योंकि बहुत से लोगों ने कहा कि ये इस्लामाबाद तक आप बाइक बुक करा दें, लेकिन हमारी बेटी की ख्वाहिश थी कि नहीं, घर से ही जाएंगे और घर तक ही वापस आएंगे। अच्छा, तो हम घर से चले और पहला ही जो हमारा डेस्टिनेशन था वो हमने किया पन्नो आकिल, विच इज़ 500 किलोमीटर। उसके बाद फिर हम चले, सेकेंड डे हम लाहौर पहुँचे, वो 720 किलोमीटर हमने एक दिन में किया, और थर्ड डे हम इस्लामाबाद थे। उसके बाद बीच में फेरी मेडोज हम 2 रातें रुके, फिर करीमाबाद में 2 रातें रुके, वहाँ साइट सीइंग वगैरह की, और आखिरकार 11वें दिन हम सोस्त में एक नाइट रुककर खंजराब पास पहुँच गए। ये थी हमारी सफ़र की टोटल। अच्छा, इतने लंबे सफ़र में इतने टफ, मुश्किल भी है, ज़ाहिर एडवेंचर है एक पूरा, तो बेटी को साथ लेके जाने का तजर्बा कैसा रहा वर्सेस बेटे को जो साथ लेके गए थे, क्या फ़र्क था दोनों में? बेटे और बेटी में मुझे तो आज तक कोई फ़र्क ही नहीं नज़र आया, क्योंकि मेरी आंखों में दोनों बराबर हैं, और बेटी को मैंने हमेशा बेटे के रूप में देखा, और उसने बिल्कुल वैसे ही मेरा साथ दिया जैसे मेरे बेटे ने दिया था। यानी जितना लगेज था स्कूटर पे, बाइक के ऊपर, वो खोलना और बांधना वो उन्हीं की जिम्मेदारी थी, तो मैं थोड़ी मदद करवाता था, लेकिन वो शी इज़ वेरी रफ़ एंड टफ, और मुझे फ़ख्र है अपनी बेटी पे कि वो एक बिल्कुल एक बेहतरीन कंपेनियन वो साबित हुई मेरे साथ, और बहुत इन्जॉय किया उसने। और मैं कहता हूँ कि हर बाप को अपनी बेटी को आगे रखना चाहिए और उसको साथ रखना चाहिए, उससे इश्क करना चाहिए। उसके बाद देखिए आपकी ज़िंदगी में बहुत मज़ा आता है। फारूकी साहब, ये शौक़ कब से था आपको? क्या जवानी में भी जाते रहे हैं या फिर ये कोई नए नए टूर्स हैं? पहले तो आप ये जुमला वापस लें, जवानी क्या मतलब है? मैं कभी भी जवानी आज से 2 दहाइयाँ पहले भी जाते रहे। मैं जुमला वापस नहीं, आई टेक माई वर्ड्स बैक। आप 2 दहाइयाँ पहले भी जाते रहे हैं या अभी जाना शुरू हुए हैं? मैं अर्ज़ करूं कि जब आप जॉब पे होते हैं ना, तो काफ़ी बाइंडिंग्स होती हैं आपके साथ, फैमिली का प्रेशर होता है, सब कुछ होता है। शौक़ उस वक्त भी था, लेकिन छोटे छोटे ट्रिप करता था मैं, जैसे कभी बेटी को लेकर चले गए कि भाई चलो सज्जी खाएं, टंडू आदम चले गए, सुबह शाम में वापस आ गए, कभी सक्खर, कभी भावलपुर। लेकिन जब मैं रिटायर हुआ तो मेरे पास टाइम काफ़ी था, और आपको नेचर से अगर इश्क हो तो टाइम बहुत अच्छा गुजरता है। तो फिर मैंने सोचा कि अब मज़ीद कोई जॉब नहीं ज्वाइन करनी, पैसे नहीं कमाने, अब हमने दुनिया देखनी है और अल्लाह ताला की खूबसूरत जो हमारे मुल्क में खूबसूरती है उसको देखना है, उसको डिस्कवर करना है। तो वही एक प्लान था, पहले बेटे के साथ बना, तो वो काफ़ी लंबा टूर था, विच इज़ 52 डेज़, लेकिन उसकी यूनिवर्सिटी की छुट्टियाँ थीं और मैं तो था ही रिटायर्ड, तो लेकिन हमारी बेटी को छुट्टियाँ ना मिल सकी, तो उन्हें 21 दिन में हमें वापस लाना पड़ा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो लोगों को भी मौका मिलता है, खुदा के लिए जाएँ, अपने मुल्क को देखें, इन चीज़ों में ना रहें कि जी 9 मन तेल होगा तो राधा नाचेगी और पैसे जमा होंगे तो हम जाएंगे, पर निकल पड़े अल्लाह पे भरोसा कर इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। काजी फारूक साहब, बहुत खूबसूरत बड़े बड़े सबक जो है ना वो आपने अपनी छोटी सी गुफ्तगू में हमें दे दी है, जिसमें से एक तो ये कि ज़िंदगी जीना चाहिए, बिल्कुल उसके लिए जो है ना आपको पैसे से मशरूत नहीं करना चाहिए। गज़ल आप भी बताइएगा, आप मतलब अब्बा के साथ मोटर बाइक पे बैठे हुए पूरे पाकिस्तान में से गुजरना, लोग घूरते भी होंगे या आप अप्रिशिएट करते थे या कॉपरेट करते थे या मतलब आवाज़ें कसते थे, या क्या क्या था ये जो एक एक्सपीरियंस होता है ना, ये जो एक ख़ास गर्ल एक्सपीरियंस है। बिल्कुल, नहीं मैं कहूँगी मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, बहुत पॉजिटिव था। इनफैक्ट लोग हमें देखकर, कभी मुझे किसी ने कोई कमेंट नहीं किया, सब ने इनफैक्ट अप्रिशिएट ही किया बहुत ज़्यादा। और मैंने अक्सर जगह पे ऐसे देखा, क्योंकि हम दोनों बाइक पे थे, ऑफकोर्स हमारा सामान भी बाइक पे था, तो जब हम लोग दोबारा अपना सामान कहीं रुकते थे तो हटाना पड़ता था, दोबारा बाइक पर डालना पड़ता था। तो जब मैं कर रही होती थी वो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, मुझे काफ़ी लोग मिले जिन्होंने लाइक बाइक्स भी रोकी, गाड़ी भी रोकी कि मतलब आपकी हेल्प कर दें, मतलब दे वर सो एक्साइटेड, वो इतना खुश थे हम लोग को देखकर कि उनका ये था कि हमारा भी कुछ पार्ट, कुछ रोल प्ले हो जाए आप लोग की जर्नी में। तो मतलब मैं कहूँ कि मुझे कोई ऐसी मुश्किलात एज अ गर्ल नहीं महसूस हुई, क्योंकि कि एक तो सबसे पहले बाबा मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग है माशाल्लाह से, बट देन उसके अलावा लोग बहुत अच्छे थे, बहुत कोऑपरेटिव थे। हर बेटी को अपना बाप बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है और बिल्कुल हैं भी। फारूकी साहब को आप देखें ना, उन्होंने मेरे कहा कि आप अपने अल्फाज पहले वापस लें, बिल्कुल दुरुस्त था। गज़ल ये बता दें कि अम्मा अब्बा अगले साल अकेले जाना चाह रहे हैं, इतने अच्छे एक्सपीरियंस के बाद आपने सोचा इनको अकेले जाने देंगी या भाई को कहेंगी कि बाइक निकालो हम भी चलते हैं साथ? अच्छा वैसे जो है ना मेरा बिल्कुल है, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं भाई होके आ गए, मैं होके आ गई। अब मेरी हम लोग की ये ख्वाहिश है दोनों, मेरी भी और मेरे भाई की भी, कि अब अम्मी अब्बू जाएं, क्योंकि फर्स्ट अगर देखा जाए तो अम्मी अब्बू का ही प्लान बना था। अच्छा। तो वो हो नहीं सका है, तो अब हम चाह रहे हैं कि ये लोग जाएँ ज़रूर। बिल्कुल सही। अच्छा ये भी बताना गज़ल के क्या हासिल है इस सारे सफ़र का? बहुत सारी ये सेल्फीज़ तो हम देख ही रहे हैं, तस्वीरें, पिक्चर्स, इसके अलावा क्या चीज़ है? कहते हैं सफ़र वसीला ज़फ़र, तो आपने इस सफ़र में क्या पाया, क्या हासिल किया? मैंने बहुत कुछ हासिल किया, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। आप एक रूटीन लाइफ जी रहे होते हैं, उसमें आपको वो एक्सपीरियंसेस नहीं मिलते। जब आप रोड पे निकलते हैं, नई जगह जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, नए खाने खाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना आप एक्सप्लोर कर रहे होते हैं अपने अंदर भी और मतलब पूरे पाकिस्तान। ऑफ कोर्स इट्स ब्यूटीफुल। तो मुझे तो हर एक एक लम्हे पे कुछ ना कुछ जो है ना मैंने सीख हासिल की है, कुछ ना कुछ। बिल्कुल ठीक। फारूकी साहब आप आखिर में लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि बेटियों के साथ कैसा रवैया होना चाहिए और उनकी ख्वाहिशात को भी उसी तरीके से आगे रखना चाहिए जिस तरह हम बेटों की ख्वाहिशात को रखते हैं? और इसके बाद एक सवाल मैं करूंगी, लेकिन पहले इसका जवाब हम सुन लेते हैं। जी मैं पहले तो तमाम वालिदैन को ये मशवरा देना चाहता हूँ कि आप अपने औलाद को बिल्कुल इसी तरह ट्रीट करें जैसे आप कोई छोटा सा पौधा लगाते हैं तो उसमें आपको पानी और खाद हर चीज़ की ज़रूरत होती है। आप उसको धूप से भी बचाते हैं, उसकी तराश खराश भी करते हैं, तो जहाँ उनको ज़रूरत हो अच्छी बुरी बातें समझाने की वो ज़रूर समझाइए, लेकिन उनके ऊपर कोई जिन भूत वाला हिसाब किताब ना रखिए कि जी अब्बा आ गए तो बच्चा सोफे के नीचे छुप गया कि जी वो देव आ गए, ऐसी कोई बात नहीं है। आप उनसे प्यार करें, मोहब्बत करें, इश्क करें और एक लेवल अपना एक लाइन उनके दरमियान ज़रूर ड्रा करें और बेटी को बेटे पर या बेटे को बेटी पर फोकियत न दें, दोनों को एक नज़र से देखें और जितना हो सकता है उनकी आबियारी करें। इंशाल्लाह अल्लाह पे भरोसा रखें, औलाद आपको कभी धोखा नहीं देगी और आपको कभी तकलीफ। वैसे तो आपने बहुत सारी बातें कह दी हैं, लेकिन आउट ऑफ बॉक्स की जो थिंकिंग है कि एक ओवर प्रोटेक्टिव फादर जो कहता है नहीं नहीं तुम बाहर नहीं निकलो, नहीं तुम्हें कोई कुछ कह ना दे, तुम्हें कुछ हो ना जाए, से इतना कॉन्फिडेंट फादर बनने में, बाप बनने में क्या आपको क्या टिप है इसकी? देखिए जी सबसे पहले तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस और एतमाद अपने अल्लाह से इश्क की वजह से हुआ। जब आप खुदा पे भरोसा करते हैं तो ये आपको पता है कि वो तो माँ बाप से भी 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है, तो आप कौन हैं चौधरी कि अपनी औलाद के ऊपर ओवर प्रोटेक्टिव हो जाएं। आप अपनी मोहब्बत रखें, इश्क करें, लेकिन उसको जाने दें। मेरी बेटी 4 साल बाइक के ऊपर जाती रही, बहुत से लोगों ने मुखालिफत की कि ये लड़की है और गिर जाएगी, चोट लग जाएगी, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि हादसा जो हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से ही आते हैं, आप ज़रूर एहतियात ज़रूर करें। अब ये नहीं कि मैं हेलमेट के बगैर बाइक चलाना शुरू कर दूँ, आप सारा प्रोटेक्शन लें, एहतियात करें, लेकिन भरोसा अल्लाह पे करें इंशाल्लाह। मेरा तो आज तक ईमान है। बहुत शुक्रिया काजी फारूकी साहब, थैंक यू मच, यू आर ट्रूली अ रोल मॉडल फॉर ऑल द फैमिलीज जो कि देख रही हैं इस वक्त आपको। एक और भी रोल मॉडल इसी तरह के हैं और ये तस्वीर हम आपको तस्वीर दिखाएंगे, पहले आप वो तस्वीर देखें फिर हम आपको बताते हैं कि ये क्या है। ये आप जो एक तस्वीर देख रहे हैं ना, ये तस्वीर किसी गांव की मुंडेर की नहीं है फरा, ये किसी ऐसे पकडंडी पे बैठे हुए बाबा जी नहीं है कि जो वहाँ पर बैठे हैं और कोई आराम कर रहा है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये ऐसा है कि इनकी बेटी जो हैं वो PhD के एम्स देने के लिए आई हुई हैं और ये अपने नवासे को वहाँ पर बहला रहे हैं। मुझे ना ये देखकर अपने वालिद याद आ गए, इसलिए कि हर वो औरत जो काम करती है ना वो रिलेट करती है इन चीज़ों के साथ। मेरे वालिद भी इसी तरह जब मैं काम के लिए निकलती हूँ या बाहर होती हूँ तो मेरे बच्चों के साथ इसी तरह से उन्हें पार्क लेके जाना हो, उनके स्कूल जाना हो, उनको कहीं से लेना हो, कहीं छोड़ना हो, तो ये एक बहुत ही वालिद जो है ना ये एक ऐसा घना साया है कि वो अपनी बेटियों के साथ जब बाप खड़ा हो जाता है ना तो फिर दुनिया की कोई ताकत उस औरत को, दुनिया की कोई चीज़ जो उस औरत को, उस बेटी को कमज़ोर नहीं कर सकती। बाप ऐसा अल्लाह ताला की तरफ से कोई एक ताकतवर एहसास का नाम, बिल्कुल ऐसे तो मुझे बिल्कुल अपने वालिद याद आ रहे हैं। एंड सल्यूट टू ऑल दोज फादर्स जो कि अपनियों का साथ देते हैं उनको आगे बढ़ने में, और साथ देना सिर्फ लफ्जी नहीं होता, यही एक्शन को ऐसे करना पड़ता है। और जो तालीमी तंग नज़री है औरतों को लेकर उसके लिए भी ये बहुत अहम ये रोल मॉडल हैं, अपने बच्चों की अपनी बच्चियों की तालीम पर फोकस करें। आगे बढ़ेंगे फराह, एक और अहम चीज़ 1935 में अमृतसर में जो हैं पैदा हुई थी ज़ुबैदा खानम, पाकिस्तान के तकसीम हिंद के बाद पाकिस्तान आ गई थी और आज उनकी बरसी मनाई जा रही है। बिल्कुल, हमसे जुदा हुए 7 साल का अरसा गुजर गया, आज के दिन हम उन्हें याद कर रहे हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत और आसानियाँ फरमाए। इतनी खूबसूरत लाजवाल गीत जो है उन्होंने पाकिस्तान इंडस्ट्री को दिए हैं, वो हमेशा हमारे दिलों पर हुक्मरानी करती रहेंगी और हमें याद रहेंगी। हमें इजाज़त दीजिए, मुझे और फराह को अल्लाह हाफ़िज़। हैव अ वंडरफुल डे।